इसलिए कैसे कृष्णा घर घर में मक्खन चोरी करते थे, मैया सोचती है लगता है मेरे घर का मक्खन सब खट्टा होता होगा, अरे गोपियों का घर का मक्खन मीठा होता होगा, इसलिए लाला घर घर में मक्खन चोरी करता है। अभी मैया ने क्या किया, हमारी प्रभु जी ने सुनाएंगे कैसे मैया कैसे कृष्ण को उखल में बांधने के लिए कोशिश करते हैं। ये कथा हमारे गौरव सुंदर गुरु सुनाएंगे। सभी हाथ उठाकर बोलिए, बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म परम आराधित शिष्य मत भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पादष्टो दर्शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों का आश्रय लेते हुए समस्त गुरु परंपरा के चरणों में हमस्त जन प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी के चरणों में मेरा यथायुक्त प्रणाम। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे किस प्रकार कृष्ण ने घर घर में मक्खन चोरी करना जब आरम्भ किया था तो सारी गोपियां मैया यशोदा के पास में शिकायत लेकर आ गई। कभी कृष्ण ने मिट्टी भी खाई तो उसको देखकर भी मैया बड़ी चिंतित हो गई। अभी सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर विचार कर रहे हैं कि मैं कोई ऐसी लीला का वर्णन करूं जिससे पता चले कि कृष्ण मैया के प्रेम के आगे कितने वशी हुए। तो यहाँ पर वंदन करते हैं वो सीताम वंदन लीला का। एकदा गृह दासीषु यशोदा नंद गृहिणी कर्मांतरे नियुक्तासु निर्ममंथन स्वयं दधी। एक बार श्री यशोदा मैया ने क्या किया, सभी दासियों को अन्य अन्य कार्यों में व्यस्त देख के और स्वयं दधी मंथन करने की इच्छा प्रकट करी। कहते हैं नंद बाबा के घर में 9 लाख गाय हैं, लेकिन उन 9 लाख गायों में से कुछ ही ऐसी गाय थी जिनके कर्ण काले रंग के थे, श्याम कर्ण की जो गैया है ये बड़ी दुर्लभ होती है। आप देखो जैसे अश्वमेध यज्ञ होता है उसके अंदर जो घोड़ा व्यवहार होगा वो वही घोड़ा व्यवहार होगा जिसके श्याम कर्ण हो, ऐसे ही ये नंद बाबा के 9 लाख गैयाओं में से कुछ 4-5 ही ऐसी गैया थी जिनके काले रंग के कान थे और उनके दूध से बड़ी सुंदर खुशबू आती है, पद्मगंधा कमल के जैसी खुशबू आती है। मैया यशोदा ने स्वयं गौदोहन किया, दही जमाया और आज पुनः दही मंथन करने की इच्छा से सुबह सुबह जग गई है और कर क्या रही है, कह रही है यहाँ पर निर्म मंथन स्वयं दधी। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भैया इतनी सारी दास दासियां हैं वो तो नंद रानी है फिर भी खुद को दधी मंथन करने की क्या आवश्यकता थी। तब कहते हैं यार जिसके प्रति प्रेम होता है तो वो स्वयं प्रकाशित हो ही जाता है। हमने कह दिया कि भैया हमारा तुमसे बड़ा प्रेम है, लेकिन जब सेवा करने की बारी आई तब सेवा कुछ करते नहीं, प्रेम कैसे प्रकाशित करोगे। मानो एक माँ का किसी संतान से उसके बच्चे से प्रेम होता है तो क्या करती है, बच्चे के लिए सारी सेवाएं खुद करती है, उसके लिए कोई नौकरानी लगाती है। जहाँ पर प्रेम होता है वो इस तरह से प्रकाशित होता है। प्रेम इको कम कर देना, इको कम कर दूंगा। प्रेम प्रकाशित होता है सेवा से, इसीलिए मैया यशोदा कहते हैं निर्म मंथन स्वयं कर दिया, कृष्ण की सेवा या भगवान की सेवा के लिए लक्षण दे रहे। देखो घर में ठाकुर जी स्थापन कर रखे हैं, बाल गोपाल हैं, राधा कृष्ण हैं, लेकिन उनकी सेवा के लिए क्या किसी नौकर को नियुक्त कर दिया, ये नियम नहीं है। शास्त्र विधि बताई है ठाकुर जी की स्वयं सेवा करनी चाहिए। अम्बरीश महाराज उनके पास तो ससागर सप्त लोगों का राज्य था लेकिन फिर भी स्वयं ठाकुर जी की सेवा करते थे, है ना। तो मैया यशोदा भी आज दधि मंथन करने के लिए सुबह सुबह उठ गई है और उठकर क्या कर रही है, यानी यानी हगीतानी बाल चरितानि च दधि मंथन काले स्वयं गायन्ति तानि गायत। कह रहे हैं कृष्ण की बाल लीलाओं का गान कर रही है मैया यशोदा ने। कृष्ण ने किस प्रकार 6 दिन के थे तब पुतना को मार दिया,
जब 3 महीने के हुए शतकासुर को मार दिया, कृष्ण किस प्रकार घर घर जाकर मक्खन चोरी करी है, ब्रज गोपियां किस प्रकार कृष्ण के रूप माधुर्य का आस्वादन करती है, तो ये सारी कृष्ण की सुंदर सुंदर लीलाओं को मैया यशोदा अपने गीतों के द्वारा, खुद ने भी कुछ गीत रचना किए हैं, कुछ पुरंदरियों ने जो गीत रचना की है उनका गान कर रही है। क्या करती है? गोविंद दामोदर माधव की, 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 गोविंद दामोदर माधव की। यशोदा कृष्ण के सुंदर नाम का कीर्तन करते करते और हाथों से नदी मंथन कर रही है। जिसके कृष्ण साक्षात पुत्र हो वो मैया कितनी सुंदर होगी। यहाँ पर शुकदेव गोस्वामी मैया यशोदा का रूप का वर्णन करते हैं कि मैया यद्यपि अभी वृद्ध हो गई है लेकिन फिर भी मुख पर एक अपूर्व तेज है और दधि मंथन करते करते पूरा शरीर पसीने में हो गया है, मुख पर भी पसीने की बूंदे हैं। उन्होंने अपनी बेड़ी में सुंदर मालती पुष्प से गोती हुई है, उस पर श्रृंगार किया हुआ है। कानों में जो कुंडल पहन रखे हैं वो हिल रहे हैं, मानो नृत्य कर रहे हैं। मैया कीर्तन कर रही है और कुंडल नृत्य कर रहे हैं। मैया यशोदा ने जो हाथों में चूड़ियां पहनी थी, आप देखना चूड़ियां जैसे छम 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 शब्द होता है ना, मानो ये चूड़ियां आज करताल का काम कर रही हो। मंजीरा जिस तरह से बजता है, मैया यशोदा के मुख का कीर्तन और हाथों की चूड़ियां मानो आज मंजीरे का काम कर रही हो। वहां पर दधि मंथन करते करते जो राई दही में डाल रखी थी, उस राई से भी शब्द हो रहा है, धिक्तान धिक्तान धिक्तान, मानो आज ये राई मृदंग का कार्य कर रही हो। मृदंग से जिस प्रकार शब्द आता है धिक्तान धिक्तान, उसी प्रकार दधि मंथन करते करते राई से शब्द आ रहा है। यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ये रई ये मृदंग जिसका शब्द निकल निकल के आ रहा है, ये आखिर है क्या? मृदंग को बताए साक्षात गुरु, ये बलदेव प्रभु ही है और अखंड गुरु तत्व है। तो मानो यहाँ पर बलदेव प्रभु शिक्षा दे रहे हैं, धिक दान धिक दान, धिक अर्थात धिक्कार है, दान मतलब उसे, किसे? जिसने मनुष्य जीवन प्राप्त करके और भगवान का भजन नहीं किया, अरे उसके जीवन को धिक्कार है धिक्कार है, उसने पशु की भांति अपना जीवन व्यर्थ ही गवा दिया। ये मृदंग जो हम बजाते हैं ये साक्षात शिक्षा देता है। देखो मैया यशोदा के दधि मंथन से भी ये ही गीत निकल रहा है कि जिन्होंने इन कृष्ण के सुंदर नामों का कीर्तन नहीं किया, कृष्ण की यदि इन मधुर लीलाओं का श्रवण नहीं किया, उसके कान नहीं, वो कान सांप का बिल है, उसके अंदर विषधर सर्प निवास करते हैं, इस संसार की सारी वस्तुएं तो श्रवण करी, दुनिया जान की बातें इस कान में भर दी, लेकिन जो कृष्ण कथा रूपी अमृत है उस अमृत को कानों में प्रवेश नहीं करवाया। बोले तुम्हारे कान नहीं, ये कान बिल है, सांप का बिल है, ये जीवा प्राप्त करके जिसने भगवान का नाम नहीं लिया, कल सुन रहे थे ना, ये जीवा क्या है? मेंढक जैसे टर्टर करने वाली जीवा है। इसीलिए बलदेव प्रभु ही अखंड गुरु तत्व है। कुछ कुछ लोगों को संशय हो जाती है कि हमें गुरु की आगे जरूरत क्या है। देखो पिछले 3-4 दिनों से इस विषय में हम काफी श्रवण कर चुके हैं। आपने देखा होगा, एक उदाहरण के तौर पर समझने की कोशिश करो, आपने देखा होगा जैसे बरगद पीपल ये कुछ वृक्ष होते हैं, आप देखो कहीं भी इसको एक वृक्ष के पास में दूसरा वृक्ष लगे हुए नहीं देखोगे। बरगद का पेड़ पीपल का पेड़ ये ऐसे एक अटपटी जगह पर लगे होंगे, कहीं मानो छत पर देखोगे, कहीं पर किसी दीवार के यहाँ पर लगा हुआ देखोगे। श्री जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कि ये वृक्ष ऐसी जगह पर क्यों लगते हैं? आप देखो अगर इनका बीज लेके आप सीधा वपन करो मिट्टी के अंदर, ये वृक्ष नहीं उगेगा। बरगद पीपल कुछ ऐसे वृक्ष हैं जिनका बीज यदि आप लगाओ तो ये बीज नहीं लगेगा, लेकिन उसका बीज यदि एक चिड़िया खा ले और वो चिड़िया फिर उसके पेट में कुछ ऐसा रस है, उस रस के साथ में जब ये बीज मिल जाता है और जब वो विष्ठा करती है तो उस स्थान पर ये बरगद पीपल का वृक्ष होगा। वो स्थान भले ही उपजाऊ भूमि ना हो, आप देखो सड़क के ऊपर जो बरगद का पेड़ उग जाता है या छत के ऊपर जो बरगद का पेड़ देखोगे, आप उसके यहाँ पर मिट्टी नहीं है, वहां पर पानी भी नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी उस सीमेंट के ऊपर भी बरगद का पेड़ उग जाएगा। क्यों? उसमें वो शक्ति कहां से आ गई? वही तो बीज था ना, वो बीज जब
भूमि में रोपण किया तो बीज नहीं हुआ, वृक्ष नहीं हुआ, लेकिन वही बीज को उस चिड़िया ने जब खा लिया तो वो छत पर भी, बंजर भूमि पे भी वृक्ष उग गया। यहाँ पर बता रहे हैं कि जो हरे कृष्ण महामंत्र या जो भी मंत्र हम सद्गुरु परंपरा से लेते हैं, उन संतों ने अपनी शक्ति से वो मंत्र सिद्ध कर रखा है। यदि उन संतों के मुखारविंद से वो मंत्र श्रवण करके और तब उसका हम भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, स्मरण करेंगे, तो वो शक्ति, उसमें विशेष शक्ति संचरित हो जाती है। तो यहाँ गुरु बलदेव तो प्रभु यही शिक्षा दे रहे हैं। कई सारी शिक्षाएं यहाँ पर मैया यशोदा दे रही है। अभी परिश्रम करते करते मैया यशोदा का पूरा शरीर में पसीना आ गया, लेकिन फिर भी कृष्ण के सुंदर नामों का कीर्तन कर रही है। गोविंद दामोदर माधवेती, गोविंद दामोदर माधवेती, गोविंद दामोदर माधवेती, गोविंद दामोदर माधवेती। कृष्ण अभी तक जो है पलंग पर सो रहे थे, लेकिन अभी जैसे ही कीर्तन सुना, मैया यशोदा देखो कृष्ण की गोद, कृष्ण को अपने आंचल में लेकर सुला रखा था, लेकिन दही मंथन करने के लिए आ गई है। अभी कृष्ण से विरह हो रहा है और कृष्ण विरह को शांत करने वाला एकमात्र कृष्ण कीर्तन ही है। हम आगे श्रवण करेंगे किस प्रकार ब्रज गोपियों के सामने से जब कृष्ण रास में अंतर ध्यान हो गए तो उन्होंने भी कृष्ण कीर्तन करके ही पुनः कृष्ण को वहां पर प्रकट किया। मैया यशोदा भी कृष्ण का कीर्तन कर रही थी और भगवान की, भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है अपना कीर्तन। हमें जिस प्रकार कृष्ण कथा, कृष्ण कीर्तन अच्छी लगती है, भगवान को भी बड़ी अच्छी लगती है। भगवान ने जैसे ही सुना कि मेरा भक्त कीर्तन कर रहा है, और वो भी कौन, साधारण भक्त नहीं, मैया यशोदा, जब प्रेम से माँ भले, जैसे हम तो बड़े संस्कृत श्लोकों का उच्चारण करते हैं, लेकिन फिर भी मानो उससे कृष्ण को सुनते हैं नहीं, उसमें संदेह हो सकता है। लेकिन मैया यशोदा प्रेम से यदि कृष्ण को कनुआ भी कह के बुलाती है तो कृष्ण को वो भी दावत सुनाई नहीं जाती है। प्रेम का यह प्रभाव है। अभी मैया यशोदा जब कीर्तन कर रही थी, कृष्ण की नींद खुल गई, नींद खुल गई, लेकिन अभी आंखें बंद है। हाथ ऐसे ऐसे चलाते चलाते मैया को खोज रहे, बोले मैया कहाँ गई, कहाँ गई। आंख खोली तो देखा मैया है नहीं। लाला बड़े परिश्रम से पलंग से उठे, घिसटते घिसटते बड़े लटकते लटकते चादर को पकड़ा और जमीन पे पैर टिक गया। अभी भागते भागते पीछे से आए हैं और मैया यशोदा को पकड़ लिया। जैसे ही मैया यशोदा तो कीर्तन में पूरी तल्लीन थी, भाई आवेश नहीं था, आंखें बंद करके और कीर्तन करे जा रही है। लाला को जैसे ही देखा मैया की आंख खुल गई, आंख खोल के देखा तो कृष्ण सामने। कृष्ण ने कहा मैया मुझे भूख लगी है। मैया यशोदा तो और जोर जोर से दही मंथन करने लगी, मन ही मन सोच रही कि देखो अभी सूर्योदय हो गया, सूर्योदय हो गया तो ठीक से मक्खन नहीं निकलेगा और यहाँ तो ये मुझे दही मंथन करने देगा नहीं, तो इसलिए मैया और जोर से मथनी को चलाने लगी। कृष्ण सोच रहे हैं कि जब तक इनका काम बंद नहीं कर दो ना, तब तक हमको भी दूध नहीं पिलाने वाली। कृष्ण ने क्या किया, आगे जाके और रई को ही पकड़ लिया। जैसे ही रई को पकड़ा, रई को पकड़ते ही मैया यशोदा का प्रेम उमड़ आया। बोले भैया लाला तो बड़ा बुद्धिमान है, अरे यदि मटकी पकड़ता तो मेरा मंथना ना रुकता, यदि रस्सी पकड़ता तो घर्षण लगता, यदि मेरे हाथ पकड़ता तो क्या मुझे रोक ही लेता। पकड़ी तो उसने रई पकड़ी, ना रई हिले और ना दही मत हो जाए। मैया को प्रेम उमड़ आया तो उसने गोद में लेके और दूध पान कराने लगी। अभी कृष्ण अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड जिनके उदर में विराजमान हो, क्या उनका पेट कभी भरेगा? उनका पेट तो भर नहीं सकता। और मैया यशोदा वो तो साक्षात वात्सल्य की मूर्ति है। मैया के हृदय में, मैया के स्तनों से दूध यदि निकलता है वात्सल्य भाव के कारण ही, तो कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उससे उनका दूध निकल रहा है। मैया यशोदा का वात्सल्य भी अपूर्व अनंत है, तो ना ही तो माँ के स्तनों से दूध कम होने वाला है और ना ही कृष्ण की कभी भूख मिटने वाली है। अभी मानो दोनों में होड़ लग गई, दोनों में होड़ लग गई, और ये देखकर चूल्हे पे जो दूध चढ़ा हुआ था वो दूध उफन उफन के गिर रहा है। भैया ये दूध क्यों गिर रहा है? जीव गोस्वामी बात कहते हैं कि ब्रज की हर चीज चिन्मय है। ब्रज की, ब्रज में पानी, वृक्ष, नदी, पर्वत, ये सारे चिन्मय है, वहां जड़ नहीं है। इसलिए यह दूध के मन का भाव है कि भैया मैं तो कृष्ण की सेवा में लगी नहीं पाऊंगा। मैया यशोदा के स्तन का दुग्ध पान करने से ही कृष्ण का पेट भर जाएगा और मेरा सेवा में लगना तो असंभव है।
इसीलिए कृष्ण सेवा में ना लगने के कारण वो दूध आत्महत्या करने को जा रहा था, उफन उफन के और आग में गिर जाएगा। अभी जैसे मैया यशोदा ने देखा कि दूध उफन रहा है, कृष्ण से बोला, बोले लाला तू थोड़ा उतर जा, मैं जाके दूध चूल्हे से उतार रहा हूँ। कृष्ण बड़े क्रोधित होकर बोले, बोले मेरा अभी आधा पेट भी नहीं भरा और मुझे उतार रही हो, नहीं पूरा दूध पिला कर जाना। मैया यशोदा सोच रही, भैया उधर दूध उफन रहा है और इधर पूत उफन रहा है, क्या करूं। कृष्ण को फिर से कहा, बोले भैया तू हट जा, देखो जाके दूध की रक्षा करने दे। कृष्ण ने बोला नहीं। इतने मैया ने क्या किया, एक हाथ से कृष्ण को पकड़ा, बंदर के बच्चे की भांति उठा के और साइड में बिठा दिया। मैया चली गई जाके दूध में जो उफन रहा था उसमें पानी के छींटे दिए और चूल्हे से उसको उतार दिया। देखो हम श्रवण कर रहे थे कि इस प्रकार कृष्ण जब 6 दिन के थे, पूतना विराट राक्षसी त्रिगभ्युती वो जब आई थी तो कृष्ण को अपने स्तन से दूर नहीं कर पाई, है ना। कृष्ण तो वही तब 6 दिन के बालक थे, आज तो कृष्ण की उम्र और ज्यादा हो गई है। मैया यशोदा का स्तनपान कर रहे थे, लेकिन मैया यशोदा ने तो फट से एक हाथ पकड़ा और साइड में बिठा दिया। क्या भैया कृष्ण के अंदर उस दिन शक्ति ज्यादा थी और आज शक्ति नहीं है? कहते हैं ये प्रेम का प्रभाव है। मैया यशोदा का जिस प्रकार कृष्ण के प्रति प्रेम है, उसके वशीभूत होकर ठाकुर जी जैसा मैया नचाती है वैसे प्रभु नाचते हैं, जैसा मैया कहती है वैसे प्रभु आदेश पालन करते हैं। कृष्ण को इसीलिए साइड में बिठा के और मैया यशोदा ने दूध की रक्षा करी। अभी कृष्ण को क्रोध आ गया, बोले मेरे से ज्यादा ये दूध प्यारा है तुमको, दूध की रक्षा कर रही हो ना, देखता हूँ कितना दूध दही की रक्षा करोगी। कृष्ण को आया गुस्सा, उन्होंने उठाया, एक पत्थर वहां पर था वो पत्थर उठा के और मटकी पे ही मार दिया। जैसे ही मटकी पे मारा वहां से नीचे से पूरा दूध दही बह बह के निकलने लगा और कृष्ण वहां पर नाच रहे हैं, मटकी फोड़ दी मटकी फोड़ दी, जैसे बच्चे चंचलता करते हैं ना। कृष्ण वहां पर नाचते नाचते बड़े आनंद में देख रहे हैं कि कैसे दही निकल रहा है मटकी से। बाद में विचार आया कि भैया मटकी तो फोड़ दी, भैया जैसे ही आएगी सारी लाठी पीठ के ऊपर ही पड़ने वाली है। वहां से कृष्ण ने क्या किया, भाग गए, लेकिन पैरों में जो दही लगा था उससे चरण छाप भी छोड़ गए। मैया ने आके देखा, भैया ये क्या किया इसने, देखकर क्रोधित भी हुई और हंसी भी आई, बच्चे की चंचलता देखकर क्रोध भी आया हंसी भी आई कि ये बड़ा उद्दंड होता जा रहा है। ब्रज गोपियां जो आकर शिकायत करती थी, पहले तो मैं इसे झूठ मानती थी, लेकिन सच में इसने घर घर जाके मक्खन चोरी करता होगा, इसे आज जरूर दंड दूंगी। कृष्ण अभी वहां से निकल के दूसरे कमरे में गए हैं, एक ओखल वहां पड़ा था, उस ओखल के ऊपर चढ़ के और छीके के ऊपर से माखन निकाल निकाल के बंदरों और कौवों को खिला रहे हैं। मैया ने तो जब ये बात देखी बड़ी क्रोधित हो गई और उठाया पीछे से एक लठिया, धीरे 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 आगे बढ़ रही है, बिल्ली जैसे चलती है ना, आप देखना बिल्ली अगर सूखे पत्तों पे भी चलेगी ना तब भी आवाज नहीं होगी, धीरे 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 चलती चलती जब आगे बढ़ रही थी, सारे बंदर और कौवे भागने लगे। कृष्ण सोच रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं मैया आ गई, सी बंदर सब भाग क्यों रहे हैं। जैसे ही पीछे पलट के देखा तो मैया अभी पकड़ने ही वाली थी, कृष्ण ने छलांग लगाई ओखल से और भागते भागते सीधा मेन रोड की तरफ चले गए। अभी मैया पीछे पीछे कृष्ण आगे आगे भाग रहे हैं। श्री सत्यव्रत मुनि बड़े सुंदर रूप में कहते हैं कि कृष्ण के वात्सल्य के कारण, मैया यशोदा के वात्सल्य प्रेम के कारण और कृष्ण का जिस प्रकार भक्तों के प्रति प्रेम है, भक्तों का कृष्ण के प्रति उससे ज्यादा प्रेम है। मैया यशोदा का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो कृष्ण से ज्यादा है, तभी जाकर तो भागते 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 कृष्ण को पकड़ने की चेष्टा कर रही है। कृष्ण आगे आगे है, मैया पीछे पीछे है। अभी मैया कहती है, बोले लाला रुक जा, नहीं तो मैं लाठी फेंक कर तुझे मारूंगी। कृष्ण तो भयभीत हो गए, जिनके प्रभाव से जिनके नाम लेने से जीव भव सागर से पार हो जाता है, निर्भीक होकर विराजमान रहता है, वो प्रभु आज स्वयं भयभीत हो रहे हैं मैया की छड़ी के डर से, डरते डरते। और मैया को बोले, बोले मैया तू लाठी फेंक दे मैं रुक जाऊंगा। बोले तू मेरे पास में आ जा। बोले मैया पास में आऊंगा तुमको मारेगी। बोले तुझे मारूंगी नहीं, मैं तुझे पूजूंगी, आ जा मेरे पास में आ जा। कृष्ण जैसे ही मैया के पास में आए, मैया ने पकड़ लिया और पकड़ते ही शासन करने लगे और कृष्ण तो बिलख बिलख कर रोने लगे हैं। माँ ने जो आंखों में सुंदर काजल लगा रखा था, आंखों को मसल मसल कर जब रोने लगे, आंखें तो जगन्नाथ जी की जैसे बड़ी बड़ी हो गई। और श्री सत्यव्रत मुनि कहते हैं, रुदन तमोहुर्नेत्रम युगमम मृजान्तम् करम् Oh,
क्या कर रहे हैं, रुदंतम मुहुर्नेत्रम युग्मं बृजान्तम, और इतना जोर जोर से क्रंदन करने लगे हैं आज कृष्ण, आंखें मसल मसल के रो रहे हैं, गले में त्रिकंठी का त्रिवेणी पड़ रही है और सिसक सिसक कर रो रहे हैं, मैया मुझे छोड़ दे, मैया मुझे मत मार, आइंदा मटकी नहीं फोड़ूंगा, मैया से प्रार्थना कर रहे हैं। मैया सोच रही है कि तुम चोर हो, कहने लगी तुम बंदर बंधु, तुमने माखन बंदरों को खिलाया, तुमने चोरी करी। बोले मैया मैंने चोरी नहीं करी, मैंने बंदरों को माखन नहीं खिलाया, तुम सच में बंदर बंधु हो। कृष्ण भी अभी क्रोधित होकर कहने लगे, अच्छा मैं बंदरों का दोस्त हूँ तो मुझे छोड़ दे, मैं बंदरों के साथ वन में ही चला जाऊंगा। अब मैया सोच रही कि भैया लाला को भी क्रोध आ गया, विचार कर देगी इसे मारोगे नहीं, इसे मैं बांध देती हूँ, इसका क्रोध जब थोड़ा शांत हो जाएगा तो जाकर इसे खोल दूंगी। अभी मैया ने क्या किया, वहां पर जो ओखल जिसके ऊपर चढ़ के और कृष्ण छीके से माखन उतार रहे थे, चोटी से एक रिबन निकाला और कृष्ण को बांधने की चेष्टा कर रही है। कृष्ण को जैसे ही बांधने की चेष्टा करी, उस उदुखल से बांधते बांधते देखा रिबन दो उंगली छोटी पड़ गया। मैया ने कहा एक गोपी से, तू अपना रिबन दे, चोटी से रिबन निकाल के फिर वापस दोनों को जोड़ के फिर बांधने की चेष्टा कर रही है। वापस बांधने की चेष्टा करी तो फिर दो उंगली कम पड़ गया। अभी ब्रज गोपियों से सबसे पूरे ब्रज की रस्सी मंगा ली, धीरे 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 मैया जोड़ती जा रही है, जोड़ती जा रही है। जब जब भी बांधने की चेष्टा करे तब ही दो उंगली कम पड़ जाए। आसपास जो ब्रज गोपियां खड़ी थी, यशोदा का मजाक उड़ाने लगी, बोले यशोदे लगता है तेरे लाला के नसीब में बंधन है ही नहीं, तू इसे नहीं बांध पाएगी। मैया यशोदा गर्व करती हुई कहती है, बोले क्या, अरे मेरी कोखा जाए और मैं नहीं बांध पाऊंगी, इसे तो मैं निश्चय बांध के ही रहूंगी। अभी मैया यशोदा तो सुबह से शाम हो गई, कृष्ण को बांधने की चेष्टा करे जा रही है, पूरे ब्रज की रस्सी खत्म हो गई, लेकिन कृष्ण की वो छोटी सी कमर बांधने को राजी नहीं। मैया सोच रही है कमर उतनी की उतनी, ओखल उतनी की उतनी, कमर में जो करधनी पहन रखी है वो भी उतनी की उतनी, लेकिन जब जब बांधने की चेष्टा कर रही हूँ तभी दो उंगली कम पड़ जा रही है, आखिर है क्या, क्या चक्कर है। भगवान नारायण के शरणागत होकर कहने लगे, हे प्रभु ये सारी ब्रज गोपियां मेरे इतना उपहास कर रही हैं, आज यदि मैं कृष्ण को इनके सामने बांध नहीं पाई तो क्या होगा, आप ही मेरी सहायता करो। जैसे ही माता का परिश्रम देखा, दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपया सीत स्वबंधने, माँ का परिश्रम देखकर कृष्ण ने स्वयं बंधन स्वीकार कर लिया। कृष्ण ने भी देखा जब माँ को मैं और क्यों परेशान करूं, माँ बांधना चाहती है तो मैं बंध जाता हूँ। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि कभी मान लो भक्त और भगवान में यदि लड़ाई हो, कभी भक्त और भगवान में यदि द्वंद छिड़ जाए तो भगवान को हार की खुशी होती है, भक्तों को जिताकर भगवान प्रसन्न होते हैं। अभी मैया यशोदा उन्होंने क्या निश्चय किया है कि मैं कृष्ण को बांध के ही रहूंगी। यद्यपि कृष्ण तो सीमा विशिष्ट नहीं है, न चंद्र बहिर्यस्य न पूर्वम न पिचा परम, श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भैया बांध किसको सकते हो, जिसकी कोई सीमा हो आप उसी वस्तु को तो बांधोगे, लेकिन कृष्ण तो सीमा विशिष्ट नहीं है, कृष्ण की तो कोई सीमा ही नहीं है, फिर उनको मैया यशोदा बांधने की चेष्टा कैसे कर रही है। तब यहाँ पर बताते हैं कि जब शरणागत होकर नारायण के चरणों में शरणागत होकर मैया ने प्रार्थना करी तो जाकर कृष्ण ने बंधन स्वीकार किया। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अभी कृष्ण ने बंधन तो स्वीकार कर लिया, मैया यशोदा वहां पर कृष्ण को छोड़ के और अन्य कार्यों में चली गई है। कृष्ण के सखा लोग तब आ गए, खेलने उसे गांठ को खोलने की कोशिश करी लेकिन खोल नहीं पाए। अभी जैसे ही कृष्ण ने कहा कि तुम ये ओखल को धक्का दो, धक्का देते 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 देखा कृष्ण सामने दो अर्जुन वृक्ष हैं। कृष्ण ने ओखल को ले जाकर उन दोनों वृक्ष के बीच में ले गए और थोड़ा सा झटका लगाया, झटका लगाते ही वहां से दोनों वृक्ष धड़ाम करके दोनों तरफ गिरे, बड़े जोर से शब्द हुआ और उन दोनों वृक्षों में से दो महापुरुष दो दिव्य गंधर्व रूप लेकर प्रकट हुए। वो दोनों नारद जी द्वारा शापित स्निग्धकंठ और मधुकंठ, ये कुबेर के पुत्र थे। उन्होंने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करी है, स्तुति करके और वो तो निज धाम को गमन किए। यहाँ पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि हर बार मैया जब बांधने की कोशिश कर रही थी तो दो उंगली कम क्यों पड़ गई, उंगली चार उंगली कम नहीं पड़ा, तीन उंगली कम नहीं पड़ा, हर बार दो उंगली कम पड़ रही थी, भैया ये दो उंगली है क्या। कहते हैं पहली उंगली है साधक की चेष्टा, साधक की चेष्टा अर्थात जैसे मैया यशोदा शुरू से प्रयास कर रही थी कृष्ण को बांधने की, ऐसी ही एक साधक की चेष्टा होनी चाहिए।
यू नहीं कि अरे भगवान की इच्छा के बिना तो कुछ होता नहीं, वो जब भजन करवाएंगे तब भजन कर लेंगे, हमारे करने से क्या होता है। बोले नहीं, चेष्टा करनी पड़ेगी। सुबह उठो, उठकर और नहा धो के स्नान करके ठाकुर के सामने बैठो, माला जप करो, जितनी नियमित संख्या हुई है उस संख्या को पूर्ण करो। ऐसा नहीं कि भगवान करवाएंगे, जब मन हुआ तब माला कर ली, जब नहीं हुआ तब नहीं करी। साधन करना पड़ेगा, चेष्टा करनी पड़ेगी। और दूसरी उंगल जो है वो है भगवान की कृपा। जब भगवान देखेंगे कि एक साधक चेष्टा कर रहा है तो उस समय पर भगवान भी कृपा करेंगे। लेकिन हम कुछ करने को राजी नहीं, हम तो हाथ पे हाथ फाड़ कर बैठे हैं, तो भगवान भी कृपा नहीं करने वाले। भगवान जब देखेंगे कि भैया ये साधक चेष्टा कर रहा है, ये चाहता है मेरे पास में आना, तभी जाकर भगवान चेष्टा हम पर कृपा करेंगे। तो इस प्रकार इसमें तो बड़ी विस्तृत लीला है, बड़ी सारी शिक्षाएं हैं, लेकिन मूल मूल रूप में यही शिक्षा ग्रहण करो कि साधन, अपना साधन नहीं छोड़ो और भगवत कृपा के हमेशा शरणागत होकर अनुगामी हो। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। हाँ देखो, जिस समय जमला अर्जुन वृक्ष दोनों टूट गए, विशाल आवाज हुई, क्योंकि वो सत्यजू का वृक्ष था, विशाल दो वृक्ष थे। इतने जोर से आवाज हुई, सारे ब्रज में हल्ला मच गई और सारे ब्रजवासी वहाँ सबके सब आ गए। आ करके नंद बाबा ने देखा, क्या देखा, कृष्ण दोनों बीच को बीच पेड़ को बीच में कृष्ण फंसे हुए। अगर थोड़ी सी अगर इधर उधर होता तो मेरे लाला का तो राम नाम सत्य हो जाता, कहते कृष्ण का राम नाम सत्य हो जाता। इतने में मैया आ गई, नंद बाबा इतने डांट लगाई, अरे दो तीन मटकी तो फोड़ा होगा, और तो कुछ बात नहीं, उसके लिए इतना बड़ा दंड, ये बूढ़ा बामे कितने कष्ट करके लाला मिलो है। इतने में मैया जसोदा को बोले, लगता है तुमको ये मटकी में दूध दही में ज्यादा आ सकती है, अभी ये दूध दही मटकी लेकर तू रहा कर, मैं कृष्ण बलराम को लेकर मैं तीर्थ जा रहा हूँ। इतने नंद बाबा ने कृष्ण बलराम को लेकर ब्रह्मांड घाट में गई, उनको स्नान करवाया और धारस न दूध, जैसे गैया का दूध निकालो देखना दूध गर्म गर्म रहता है, उसमें मिश्री डाल करके कृष्ण बलराम को पिला दिया। अभी शाम को वापस आए, घर में लड़ाई हो गई जसोदा और नंद बाबा से। एक कोण में मैया जसोदा बैठ करके रो रही है, मेरे इन्हीं हाथों में कूड़ व्याधि क्यों नहीं हो गई, आज मैंने इन्हीं हाथों से लाला को बांध कैसे दे दिया। मैया बड़ी दुखी हो रही थी। एक कोने में नंद बाबा बैठे, दोनों में लड़ाई हो गई। अभी अगर पति पत्नी में दोनों में लड़ाई हो गई, बीच में फैसला कौन करेगा, अगर बीच में कोई व्यक्ति हो, हैं? बीच में कोई व्यक्ति हो ना, जैसे देखो अभी जगत में इतने डाइवोर्स क्यों हो रहे हैं, आपको पता है? पहले क्या होता था, पूरा परिवार एक साथ में रहते थे, अगर एक व्यक्ति का अगर कोई क्रोध हो गया, उल्टा पुल्टा हो गया, परिवार समझा देते थे उनको, कोई बुआ होता था, नानी होता था, कुछ समझा देते थे। अभी दोनों पति पत्नी जाकर अलग कहीं रह रहे, कोई वहाँ है ही नहीं, झगड़ा हो तो कोई बीच में कोई है नहीं जो कि मिटा दे आगे, और वो झगड़ा बढ़ते 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 इतने दूर तक चल जाती है कि डाइवोर्स की नौबत आ जाती है। इसलिए क्या होता था, पहले पूरा परिवार चार चार पांच पांच छह छह भाई एक कट रहा करते थे, अगर थोड़ी सी अगर किसी को क्रोध आ गया, चाचा मामा आकर के उसको समझा देते थे। अभी अगर दोनों में लड़ाई हो तो अभी दोनों मीमांसा कौन करवाएगा, कोई बीच में व्यक्ति हो, बोले बीच में कौन, बोले बलदेव प्रभु का माँ रोहिणी। रोहिणी मैया ने देखा, अगर कृष्ण को ला करके पिताजी की गोद से अगर श्री मैया जसोदा की गोद में लेटा दिया जाए, झगड़ा खत्म हो जाएगा। इतने में उन्होंने दाऊ भैया को बोले, बोले दाऊ एक काम कर, बोले क्या, बोले जा कन्हैया का हाथ पकड़ करके ले आ और मैया की गोद में तू छोड़ दे। इतने में बलदेव प्रभु गए, जा करके बोले कन्हैया कन्हैया चलो मैया की गोद में। जब उन्होंने कृष्ण का हाथ पकड़े, कृष्ण तो बड़े क्रोध में थे, ऐसे झटका मारी वहां पर, तो बलदेव को वहीं पर गिर पड़ गए। इतने में मैया रोहिणी बोले, लाला तो मैया के पास में नहीं जाओगे? बोले नहीं, मैया मेरे को मारती है, बाबा मेरे को प्यार करते हैं, मैं बाबा को पास में रहा करूंगा। बोले अगर मैया के पास में नहीं गया तो दूध कहाँ से मिलेगा, बाबा के पास में तो दूध मिलेगी नहीं, मैया दूध कहाँ मिलेगी, मैया तो दूध पिलाएगी, फिर दूध कहाँ से पियोगे? बोले पिताजी धारस न दूध में मिश्री मिला करके पिला देंगे। बोले किसकी गोद में सो, देखना किसी किसी बच्चे का ऐसे स्वभाव है, जब तक मैया की गोद में नहीं सोना तो नींद नहीं आती, बच्चों का ऐसे स्वभाव होता है।
इसलिए बोले किसकी गोद में सोओगे, बोले बाबा की गोद में सो जाऊंगा। बोले खेलोगे किसको साथ में, बोले दाऊ भैया है ना, दाऊ भैया को साथ में खेलूंगा। बोले मैया के पास में नहीं जाऊंगा, बोले नहीं मैया मेरे को मारती है, बाबा के पास में रहूंगा। बोले अगर तू मैया के पास में नहीं जाओगी, मैया की अगर ऐसे होगी, मतलब अगर मैया मर गई तो फिर क्या होगी। जब कृष्ण ने सुना अगर मैं मैया के पास में नहीं जाऊंगा, मैया मर जाएगी, फिर तो लाला को रहा नहीं गया। पिताजी की गोद से खड़े होकर के माँ 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 करते करते सीधा मैया की गोद में लेट गई। इसको देख करके जितने वहां ब्रजवासी थे सब के सब फूट फूट करके रोने लग गए। मैया भी लाला को गोद में लेकर के फूट फूट करके रोने लगी। इसलिए यहाँ पर कहते हैं इति दीर्घिशा लीला भिरानंद कुंड। कृष्ण ऐसे सुंदर सुंदर प्रभु लीला करते थे, पूरा ब्रजवासियों को वो लीला को अंदर में डूबो करके रखते थे। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय श्री राधे। हाँ जी हमारी प्रभु जी आपको थोड़ी सी ओम ज्ञानंजन सनातया चक्षुर्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय स्तुतालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। एक साथ आपके साथ बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, जोर से बोलो हरे राम 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 हरे हरे। परो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अपने गुरुदेव श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी गुरु महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि शास्त्र में प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत उपस्थित वैष्णव वैष्णव मात्र बहनों सभी के चरणों में मेरा यथा योग्य दंड प्रणाम। हरे कृष्ण। ये माइक वाला कर गया आवाज। हरे कृष्ण। देखो हम पिछले 5-6 दिनों से कथाएं सुन रहे हैं और जो भी कथा सुन रहे हैं, जो भी जिस विषय में भी सुन रहे हैं, एक ही बात बताई जा रही है। क्या बताई जा रही है? भगवान का नाम। क्या? भगवान का नाम। कि भैया भगवान का नाम करो, नाम करो। हमारे सारे शास्त्र यही बात कह रहे हैं, हरे नाम केवलम कलो नास्ते नास्ते गतिरन्य था। कि भैया भगवान का नाम, भगवान का नाम, भगवान का नाम। शास्त्रों में एक बात बताई गई है कि किसी श्लोक के अंदर अगर कोई बात दो बार रिपीट हो रही है तो बताया गया उसमें दोष होता है। कोई बात अगर दो बार रिपीट की जा रही है तो उसमें दोष होता है। लेकिन इस श्लोक में तो एक ही बात तो कितनी बार बताया जा रहा है? तीन बार। हरे नाम हरे नाम हरे नाम है, ये तो तीन बार बोल रहे हैं। ऐसा क्यों? तो बताया गया है कि भैया जो कलयुग के जीव है ना, एक बारी में बात नहीं सुनते, एक बारी में तो बात सुनते ही नहीं, उनको दोबारा बोलना पड़ता है, दोबारा भी नहीं सुनते। कम से कम तीन बार ना बोलो ना कलयुग के जीवों को कोई बात, तब तक वो सुनते ही नहीं। तो इसलिए इस शास्त्र में श्लोक बताया गया, हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही केवलम कलो नास्ते नास्ते गति रन्नी था। भैया इसके अलावा कोई गति नहीं है, नहीं है, नहीं है, कुछ हो ही नहीं सकता। तो क्या करना पड़ेगा? भगवान का, आप लोग तो बोल ही नहीं रहे कुछ, क्या करना पड़ेगा? देखो अब आप लोगों के विषय में एक बहुत अच्छी कथा बताता हूँ मैं, जो आप लोगों ने सुना होगा कि माता जी बाद में दे देना, दो मिनट रुक जाओ। इस जगत में कितने वंडर है? 7 वंडर बताए गए, 7 वंडर, पूरा 7 चीज आश्चर्य में चीज बताई गई है। तो 8वां आश्चर्य क्या हो सकता है? कि बताया गया कि 4-5 महिला एक साथ बैठी हुई है और वो चुपचाप बैठी हुई है, तो इसको सबसे बड़ा आश्चर्य की बात बताई गई है। लेकिन ऐसा होता ही नहीं। तो ऐसे ही कथा हम आती है हमारे शास्त्रों में कि एक बार तीन माताएं बैठी हुई थी, तीन माता जी, ठीक है, ध्यान से सुनना, मैं पूछूंगा, जो बताएगा उसको ये प्रसाद मिलेगा। पहली माता थी भगवान श्री राम की माता, कौन है? कौशल्या। दूसरी थी हनुमान जी की माता, कौन? अंजनी। तीसरी है एक अगस्त ऋषि थे, उनकी पत्नी, उनका नाम है लोपा मुद्रा। क्या है? ठीक है, याद रखना, भगवान श्री राम जी की माता, हनुमान जी की माता और अगस्त ऋषि की पत्नी लोपा मुद्रा। ये तीनों लोग बैठे हुए थे।
अब थोड़ा स्त्रियों का स्वभाव होता है कि जो अपने पुत्र पति इनके बारे में चर्चा करना, तो सबसे पहले भगवान श्री राम की माता बोली कि हे अंजनी, तुम्हें पता है कि मेरे बेटे राम ने क्या किया? उन्होंने पूछा, बेटा क्या किया? कह रहे, मेरे पुत्र राम ने, आपने समुद्र सुना है? समुद्र इतना बड़ा समुद्र होता है, इस उतने बड़े समुद्र में मेरे पुत्र अकेले राम ने एक पुल बांध दिया है। तुम्हें मेरा पुत्र देखो कितना महान है, उसने इतने बड़े समुद्र में पुल बांध दिया और यहाँ से जाके लंका में चढ़ाई की। रंजनी माता ने कहा, वाह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक स्त्री का स्वभाव होता है कोई अपने पुत्र पति की तारीफ करे, तो भैया हमारे भी तो पुत्र पति हैं। तो अंजनी माता ने बोला, भैया देखो कौशल्या, पहले एक बात बोलू, बुरा मत मानना, मैं जानती हूँ तुम्हारे पति ने इतना बड़ा अच्छा काम किया, तुम्हारे बेटे ने इतना इतने बड़े समुद्र में पुल बांध दिया, लेकिन मेरा बेटा भी कोई कम नहीं है। जिस समुद्र में तुम्हारे बेटे ने इतने महीनों तक पुल बांधने में समय लगाया, अब मेरा पुत्र हनुमान एक ही छलांग में पार कर गया है। तुम्हारे पुत्र ने इतना समय लगाया, मेरे पुत्र ने एक ही छलांग में समुद्र को पार कर दिया। अब दोनों माताओं की बात सुन के जो लोपा मुद्रा थी अगस्त ऋषि की पत्नी, वो बोल पड़ी, अरे वाह वाह बहुत अच्छी बात, लेकिन बहनों एक बात मैं भी बोलूँ, बुरा मत मानना, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पुत्र ने समुद्र को पार कर दिया, तुम्हारे पुत्र ने समुद्र पे पुल बना दिया, लेकिन समुद्र क्या होता है? समुद्र वो तो मेरे पति ने तो एक अंजनी में भर के उसका आचमन कर लिया था, उस समुद्र की बात कर रहे हो तुम? अब दोनों माताएं चुप कि भैया इसकी तो महिमा हम दोनों के पुत्रों से ज्यादा है, इसके पति की महिमा। अब ये सुन के जो माता थी ना कौशल्या माता बड़ी दुखी हो गई, मेरे पुत्र राम की तो कोई महिमा ही नहीं रही है, सारा जगत कहता है राम राम राम, राम भगवान है, तो मेरे पुत्र की तो महिमा ही नहीं, थर्ड नंबर आया है, तीन लोग रेस में थे, मेरे बेटे का नंबर थर्ड आया, अब क्या करें? बड़ी दुखी हुई। तभी वहां से भगवान श्री राम आए, पूछा, माता आप दुखी क्यों? फिर देखो बेटा ऐसी ऐसी बात है, मैं तो तुम्हारी बढ़ाई कर रही थी, या तो तुम्हारी बेइज्जती हो गई, तुम्हारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। भगवान ने कहा, ऐसा क्या हो गया बताओ? उन्होंने, बेटा मैंने ऐसे बोला कि तुमने समुद्र में पुल बांध दिया, तो माता अंजना ने बोला कि मेरे पुत्र ने तो समुद्र को एक छलांग में पार कर दिया, और अगर ऋषि की पत्नी कह रही कौन सा समुद्र? वो समुद्र जिसको तो मैंने मेरे पति ने एक हाथ में छोटा सा आचमन करके पी गए थे, उस समुद्र की बात कर रहे हो? बेटा तुम्हारी तो कोई महिमा ही नहीं। तो भगवान श्री राम ने बोला, माता ये बताओ तुम्हारे पुत्र की क्या महिमा कभी कम हो सकती है? जाओ जाके बोल दो माता अंजनी से कि उनके पुत्र हनुमान ने जो एक छलांग में समुद्र पार किया था, किसका नाम लिया था? मेरा नाम लिया था। क्या बोल के गया था? जय श्री राम। जोर से बोलिए जय श्री राम। अरे एक छलांग में समुद्र पार कर दिया, तो किसकी महिमा भी? अरे बेटे ये तो तुम्हारे नाम की महिमा भी। अरे हाँ, बोलता अगस्त ऋषि की पत्नी को लोपा मुद्रा को कि वो बोल रहे कि उन्होंने समुद्र को एक अंजनी में भर के छोटे से हाथ में आचमन पान कर लिया था। अरे उन्हें पूछो उन्होंने किसका नाम दे के पार किया पिया था उसे? उन्होंने मेरा ही नाम लिया था, जय श्री राम। है मेरा नाम लेके उन्होंने पूरे समुद्र को एक हाथ में लेके पान कर लिया था, तो बताओ किसकी महिमा? नाम की महिमा है। तो जाके बोल दो। माता बड़ी प्रसन्न हुई, अंत में निकला यही परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। लेकिन एक बात होनी जरूरी है, क्या? विश्वास। क्या होना वो जरूरी है? विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। देखो एक बहुत अच्छी कथा सुनाता हूँ आपको मैं, एक बात करेड़ा की बात है। एक सास बहु नई नई बहू शादी करके आई थी, और सास और बहू की बिल्कुल बनती नहीं थी, दिन भर कट कट कुट 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 ये इधर उधर पड़ोसी लोग मजे लेते, अरे भैया देखो देखो शुरू हो गया उनका नाटक, बहू अलग बोले सास अलग बोले और भैया दिन भर लड़ाई, अड़ोसी पड़ोसी मजे ले, उनको चर्चा का विषय मिल जाए। अरे पता है आज तो उसकी बहू ऐसा बोल रही थी, आज उसकी सास ने ऐसा करा, बस भैया दिन भर ऐसे ही लगा रहा। बहू ने कहा, भैया मैं तो यहाँ आई थी शादी करके, हैं यहाँ तो मेरी इंसल्ट हो गई, अड़ोसी पड़ोसी सब मेरे को देख के हंसते हैं, मेरी तो क्या इज्जत ही रह गई, कम से कम बड़ी अपने मायके भी थी है, ससुराल आके मेरी तो इज्जत ही नहीं रही, मेरी सास ने मेरे से लड़ाई कर करके मेरी बेइज्जती करा दी पूरी गली मोहल्लों में, अब क्या करूँ मैं, कुछ मुझे उपाय करना होगा।
तभी उन्हें पता चला कि भैया एक बाबा है मोहन नगर में, वो क्या करते हैं भगवान का नाम, क्या करते हैं नाम करते हैं। तो उसने सोचा चलो मैं बाबा के पास जाती हूँ और उनसे बोलती हूँ कि भाई बाबा कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरी सांस जल्दी मर जाए। अब वो गई बहू बाबा के पास कि बाबा बाबा प्रणाम किया बाबा को, हरे कृष्णा बाबा, बाबा अपना मंत्र कर रहे थे। बाबा मैं बहुत परेशान हूँ। बाबा ने पूछा क्या दिक्कत है, मेरी जो सांस है ना उससे बहुत डरती है, बहुत डरती है, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरी सांस जल्दी जल्दी मर जाए। अब बाबा तो भक्त हैं, वैसा काम कर नहीं सकते, वो समझ गए कि दिक्कत का है। हरि बोल माता जी सुन लो। तो बाबा ने बोला कि भैया मैं तो भक्त हूँ, ऐसा तो कर ही नहीं सकता। उन्होंने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें ऐसा एक मंत्र दूंगा, ऐसा मैं तुम्हें एक सिद्धि भमूदी दूंगा कि जिसको खाने से ऐसा होगा कि तुम्हारी सांस तुम्हारे वश में हो जाएगी, मरेगी नहीं लेकिन तुम्हारे वश में हो जाएगी। बहू ने कहा वाह ये तो बहुत बढ़िया हो गया, कम से कम मेरी सांस मेरे वश में रहेगी और मैं जो मर्जी काम उससे करा लूंगी। उन्होंने कहा ठीक है। तो बाबा ने गए अंदर से एक डब्बे में से एक सफेद रंग का भमूदी निकाली, उसकी छोटी छोटी पुड़िया बनाई, 21 पुड़िया बना के बहू के हाथ में दे दिए कि ये लो एक काम करना है, एक है विधि एक निषेध। विधि क्या है कि जैसे ही तुम्हारे घर में तुम्हारी सांस से लड़ाई होगी फटाफट इस पैकेट को खोलना और मुंह में रख देना। निषेध क्या है, मुंह से कुछ नहीं बोलना, लड़ाई होते ही इसको मुंह में रख देना और कुछ नहीं बोलना और देखना 21 दिन बाद तुम्हारी सांस तुम्हारे वश में हो जाएगी। बहू ने कहा बहुत अच्छी बात है, 21 दिन में मेरी सांस मेरे वश में। बहू घर में ले आई, अगले दिन सुबह सुबह कुट 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 सांस शुरू हो गई, झाड़ू नहीं लगाया, पोछा नहीं लगाया, ऐसे नहीं करा, हमारे जमाने में ऐसा होता था, हम ऐसे करते थे, हम सांस के सामने ये करते थे वो करते थे। बहू ने भैया फटाफट पुड़िया निकाली और मुँह में रखी चुप चुप। सांस ने बोला भैया आज इसे क्या हो गया, और तुम तो लड़ने आती आज नहीं लड़ी, एक दिन हुआ दो दिन हुआ तीन दिन हुआ पाँच दिन हुआ, भैया रोज रोज लड़ाई हुई, अब चुप बहू। अब सास लोगों की मीटिंग होती है, बहू लोगों की मीटिंग होती है ना, ग्रुप बैठता है, अरे मेरी सास मेरी बहू ने आज ऐसा करा मैंने उसको ये बोला, और अरे मेरी बहू ने ऐसा करा मैंने उसको ये बोला। अब वो जाकर चुपचाप बैठ जाए, सब बोले सास अरे भैया तू भी तो बोल, बहन तू भी तो बोल। अब वो क्या मेरी बहू तो मुझसे लड़ी नहीं रही, मैं क्या बोलूँ, मेरी बहू तो मुझसे लड़ी नहीं रही, वो चुप होकर बैठ जाए। अब सास ने सोचा भैया सबकी बहुएं रोज लड़ती हैं, मेरी बहुएं जो शांत रहती है और मैं इतनी पागल हूँ कि मैं रोज उससे लड़ती हूँ। अब उसने सोचा कल से मैं अपनी बहू से नहीं लड़ूंगी। वो सुबह सुबह उठी और बहू के पास गई कि बहू इधर आओ, मेरी बहू रानी इधर आओ, ये लो तिजोरी की चाबी, आज से ये तिजोरी की चाबी तुम रखो, घर तुम संभालोगे, आज के बाद हम मिलके काम करेंगे, झाड़ू तू लगाएगी पोछा मैं लगाऊंगी, सब्जी तू बनाएगी रोटी मैं बनाऊंगी, कपड़े तू धोएगी कपड़े मैं सुखाऊंगी। बहू ने कहा वाह ये तो 10 दिन में चमत्कार हो गया, अभी तो 21 दिन की बहू थी, ये तो 10 दिन में काम हो गया, अभी तो 11 दिन बचे हुए हैं। बहू बड़ी खुश हुई कि सांस तो मेरे वश में ही आ गई 10 दिन में। अब बहू ने कहा कि अब तो भैया काम तो हो ही गया है, अभी 11 पुड़िया मेरे पास बच गई है, मैं काम करती हूँ उन्हीं बाबा को लौटा के आ जाती हूँ, किसी और के काम आएगी, कोई और बहू भी परेशान होगी। वो बहू गई बाबा के पास, बाबा बाबा आपकी कृपा हो गई, आपकी कृपा हो गई, मेरी सांस मेरे वश में हो गई, अब तो वो मेरी बात मानती है। तो उन्होंने बाबा को 10 पुड़िया दी, बोला बाबा ये लो पुड़िया और मुझे एक बात बताओ बाबा, ऐसी कौन सा मंत्र था, ऐसी कौन सी जादुई चीज थी पुड़िया में कि मेरी सांस मेरे वश में हो गई। बाबा ने कहा बेटी इसमें कोई भभूति नहीं थी, कोई मंत्र नहीं था, इसमें क्या था, टाटा का नमक था, इसमें टाटा का नमक की मैंने पुड़िया बना के लिखी तेरे को। बहू गई है तेरी हाँ, तो बाबा ने सीख ली बेटा लड़ाई कब होती है, तेरी लड़ाई तब होती है जब एक व्यक्ति बोले और दूसरा उसका प्रतिकार में उत्तर दे, जब तू चुप हो गई तो लड़ाई नहीं थी। तो लड़ाई का मुख्य कारण क्या है, एक अगर लड़े तो दूसरा चुप हो जाओ, ठीक है, तो इसलिए अब तुम्हारी लड़ाई बंद होगी और सांस बहू तुम अब कैसे रहना, प्रेम से रहना। देखो तुमने इस छोटे से नमक के पाउच पे विश्वास किया और तुम्हारे घर की लड़ाई सब बंद हो गई और सब कुछ घर में सुख शांति आ गई। तो वास्तव में अगर तुम्हें हरि नाम करोगे, जो भगवान का नाम करोगे तो क्या नहीं हो जाएगा, तो आज के बाद क्या करना, भगवान का नाम, लेकिन क्या होना चाहिए, विश्वास, विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है।
जब भगवान श्री राम जी थे उन्होंने लंका पे चढ़ाई कर दी, वहां का राज्य किसको दे दिया? विभीषण को। विभीषण को दे दिया। अब विभीषण वहां का राजा बन गया। अब विभीषण ने वहां के जो सारे दानव थे उनको बोला, राक्षसों को बुला के, कि देखो कल से मैं राजा हूँ यहाँ का, अगर कोई रावण का कोई प्रिय है और लंका छोड़ के जाना चाहता है तो वहां जा सकता है, मैं उसको बिल्कुल सम्मान यहाँ से भेज दूंगा। एक राक्षस बोल पड़ा कि विभीषण जी, मैं आपकी लंका में नहीं रहूंगा, मैं रावण का बहुत प्रिय था, मैं लंका छोड़ के चला जाऊंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब लंका छोड़ के जाए कैसे, समुद्र पार करना पड़ेगा। उन्होंने विभीषण जी ने क्या किया, एक पत्ते में एक मंत्र लिखा और उस राक्षस के हाथ में दे दिया कि बोला अब तुम समुद्र में चल के जा सकते हो, लेकिन एक शर्त है, इस पत्ते को खोलना मत, अगर तुमने इस पत्ते को खोला तो क्या होगा, तुम डूब जाओगे। उसने कहा ठीक है। अब राक्षस ने पत्ता लिया, हाथ में मुट्ठी बंधी थी और समुद्र में जैसे ही पैर रखा तो वास्तव में वो तो समुद्र में चलने लगा। राक्षस ने बोला वाह क्या बात है। अब वो जाने लगा, जब आधा समुद्र पार हो गया उसके मन में इच्छा हुई कि मैं देखूं तो सही इस पत्ते में ऐसा कौन सा मंत्र लिखा हुआ है। उसने जैसे पत्ता खोला उसमें क्या लिखा था, श्री राम। क्या लिखा था, श्री राम। जैसे उसने देखा ना ये क्या लिखा हुआ है, ये कोई मंत्र होता है श्री राम, इसकी वजह से मैं पानी में चल रहा था। बस जैसे उसको संदेह हुआ और क्या हुआ, वो पानी में डूब गया। तो क्या होना चाहिए, विश्वास। अगर विश्वास नहीं है, विश्वास तुम्हारा एक कुड़िया में भी है तो वो भी काम करेगी, और भगवान के नाम में नहीं है तो वो भी काम नहीं करेगा। इसलिए भगवान के नाम पे विश्वास होना बहुत जरूरी है। तो हमारे गुरुवर्ग, हमारे वैष्णव लोग, इतने लोग यहाँ आके इतनी बात बता रहे, अगर हमने वास्तव में हरिनाम कर लिया, भगवान का नाम ले लिया, तो हम इस क्या होंगे, भव सागर से पार हो जाएंगे। ठीक है, क्या करना है हमें, सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम। एक बार जोर से बोलिए मेरे साथ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुड काली वाला जोर से, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत कथा मृतम की, जय जय श्री राधे। हाँ देखो, अभी परीक्षित महाराज को अभिशाप लगा हुआ था, सप्तम दिवस में तक्षक दर्शन करेगा। इतने में वो तक्षक आ रहा था परीक्षित महाराज को काटने के लिए, बीच में एक ऋषि मिल गए जिसका नाम था कश्यप ऋषि। तो उन्होंने बोले आप कहाँ जा रहे हो, बोले मैंने सुना है ये परीक्षित को तक्षक दर्शन करेगा, मेरे पास में ऐसे जड़ी बूटी में दो बार जिंदा कर दूंगा। बोले दो बार जिंदा कर दो, बोले हाँ, बोले मेरे को प्रत्यक्ष रूप में दिखाओ। बोले क्या, बोले ये पेड़ को, वो स्वयं तक्षक था, उसने अपना रूप लेकर के पेड़ को काटते पूरा पेड़ जल करके राख हो गया, बोले इसको बचा करके दिखाओ। कश्यप ऋषि ने बटुआ से निकला अपना जड़ी बूटी को, जड़ी बूटी पर पीसा और पानी देकर जो उसको छिड़काव कराया ना, वो मरा हुआ पेड़ जिंदा हो गया। तक्षक ने देखा भैया अगर ये जा करके, मैंने काट दिया परीक्षित महाराज को मर गए, लेकिन अगर इसने जिंदा कर दिया तो फिर मेरे काटना बेकार हो जाएंगे। जानते हैं ब्राह्मण थोड़ी लोभी होते हैं, बोले भैया आप क्यों जा रहे हो, पिछले कुछ माल फाल पाने के लिए ना, मैं यहीं पर ही आपका झोली भर देता हूँ। उन्होंने सोने चांदी से उनका झोली भर दिया और वहीं से कश्यप ऋषि वापस चला गया। तभी से ये जो मंत्र सिद्धि जब खत्म हुआ, इसलिए नियम है मंत्र तभी काम करता है अगर कोई निर्लभ होकर के परोपकार अगर करे तो तभी ये फलीभूत होता है, हैं? इतने में श्री तक्षक ने वहाँ पर गए और जा करके उन्होंने क्या की, उन्होंने एक फल को अंदर में जा करके उन्होंने श्री परीक्षित महाराज को दर्शन किया। लेकिन दर्शन करने से पहले ही ये परीक्षित महाराज ने पहले से ही अपना शरीर से है एक सुंदर गोपी मूर्ति धारण करते हुए उन्होंने ऑलरेडी प्रभु के पास में चला गया था, लेकिन एक खाली शरीर था जिस शरीर को ने ये तक्षक ने जा करके दर्शन किया। क्योंकि जो भागवत कथा श्रवण करते हैं, पहले सुन रहे थे ना, कथा का नाम अमर कथा है, जिसको शंकर स्वयं कहते हैं पार्वती, ये कथा सुनकर ही मैं अमरत्व को प्राप्त किया। पार्वती कहते हैं मेरे को भी सुना दो, दोनों अमर बनेंगे।
तब उन्होंने माता पार्वती को अमरनाथ में लेकर कथा सुनाई, तभी से माँ पार्वती अमर हुई। अभी नवरात्रि चल रहा है ना, आप लोगों ने घर घर में माता देवी को पूजा कर रहे हैं, क्यों पूजा कर रहे हैं जानते हो? उन्होंने ये भागवत कथा सुनकर अमर बनी। केवल ये भागवत कथा से ही अभी घर घर में माँ की जगत पूजा हो, केवल इसी कारण से। उसको पहले माता भी कितना बार शरीर को त्याग दी, इसलिए ये भागवत का एक नाम ये अमर कथा है, हैं? ये कथा को अमर कथा कहते हैं। इसलिए आप लोग ने सात सात दिन तक ये भागवत कथा श्रवण की है। लेकिन नियम होता है, जब कथा सुना कुछ दो और कुछ लो, भले दे किया और ले किया, ध्यान से सुना। ये कथा विश्राम मंदिर जा रहे हैं, कहते दे किया और ले किया, भले यहाँ पर जितने खराब चीज को दे जा, गंदी चीज को छोड़ जा, भले ले कर किया जाओ, भले यहाँ से ठाकुर का भक्ति और भगवान का प्रेम ही यहाँ से ले करके जाओ। भले गंदी चीज किया है, भले चार चीज गंदी चीज है, ये चार चीज को हमें त्याग देनी चाहिए। पहला नंबर है, हमें जुआ नहीं खेलनी चाहिए। इसलिए धर्म का पहला चरण सत्य, जो जुआ खेलते हैं ना वो कभी सच नहीं बोल सकते, वो झूठ बोलते हैं। इसलिए युधिष्ठिर महाराज बोले, देखो मैं धर्म स्वरूप हूँ, लेकिन ये जुआ खेल करके मेरी कितने सत्यानाश हो गई। राज्य गया, पत्नी की भरी सभा में विवस्त्र देखना पड़ा, 12 साल तक जंगल में भटके, 1 साल तक विराट राज्य में हमें नौकरी करना पड़ा, इसलिए खबरदार कभी ये जुआ बुआ खेलना नहीं। दूसरा चीज है, कोई नस्ली चीज को मत लिया करो। नस्ली चीज में पान, बीड़ी, सिगरेट, अफीम, गांजा, भांग, शराब, गुटखा, ये सब चीज को नहीं लेनी चाहिए। नशा एक ही हो जीवन में, प्रभु का भक्ति और प्रभु का प्रेम ही एक नशा जीवन में होनी चाहिए। मुझे लगता है आप लोग तो कोई चीज लेते ही नहीं, मुझे लगता है, लेकिन एक चाय लेते हो, चाय लेते हो? कौन कौन चाय पीते हो? हाँ देखो, ये जो देखो, ध्यान देकर सुना, ये चाय भी नहीं पीनी चाहिए। क्यों नहीं पीनी चाहिए? अच्छे तरह सुन लो, अच्छे तरह से ध्यान देकर सुनो, दूसरों को समझा सकते हो। पहले भारत में कोई चाय नहीं पीते थे, ये अंग्रेजियों ने हमें गुलाम बनाने के लिए पहले बिना बड़े बूढ़ों को पूछ लो, पहले ये खुद चौराया पर चाय बनाते थे। बोलते थे जो एक कप चाय पिएगा उसको 1 रुपया मिलेगा। हम लोग ऐसे है ना, अगर जहर भी कोई बिना पैसा देते हम पीने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये चाय नहीं पीती थी, जहर, ये विष था, ये उसमें निकोटीन कफीन डालते हैं, आपको पता होगा। जैसे एक व्यक्ति शराब पीता है, जब शराब पीने का समय आ जाए, जब वो शराब नहीं पिए कैसे लगता है? बेचैन से आता है। उसी तरह जो चाय पीते हो, चाय पीने का समय आ जाए, अगर नहीं चाय पियोगे क्या लग गया? बोलो, बोला आप लोग, बोले क्या होता है आपको? लोलो क्या जो खुद बोलो ना, क्या होता है? सर दर्द करना शुरू हो जाता है। क्यों? उसमें जहर है, पैजन। अब रामदेव का योगा देखोगे, बोले खबरदार कभी चाय मत पियो, एकदम स्ट्रिक मना करता है, इसमें निकोटीन और कैफीन डाला हुआ है, इसलिए ये जहर है, हैं? इसलिए सर दर्द होता है। हम लोगों ने क्या किया, बोले 1 रुपया और 1 कप चाय, बोले दो कप चाय। कुछ दिन बाद में बोले देखो 50 पैसा मिलेगा, 1 रुपया नहीं, बोले 2 पैसा मिलेगा। कुछ दिन बाद में बोले देखो 25 पैसा मिलेगा, बोले दो। जब नशा चढ़ गया ना, बोले अभी कोई पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन नशा चढ़ गया ना, बोले 1 रुपया निकालो, 1 रुपया दिया। कुछ दिन बाद में बोले 2 रुपया निकालो, 2 रुपया लो, 3 रुपया लो, 3-5 रुपया। अभी कितना पैसा है चाय? इतनी सी चाय 10 रुपया है। बम्बे में तो वहाँ पर 30 ना 35 रुपया की इतने चाय है। उतना पैसा में 3 बार अगर 4-5 बार पीते हो, हिसाब करके देखोगे 3 बार का खाना हमारी 50 रुपया में दाल रोटी खा लोगे, हो जाएगा नहीं 50 रुपया में? लेकिन ये अंग्रेजियों ने हमें धोखे दे करके, हमें ठग करके इन लोगों ने पैसा कमा रहे, और हम इतने बेवकूफ है, उस उनका बिजनेस को हमने चला दिया और स्वयं ठग गए। अरे पियो तो 50 रुपया का दूध पियो ना, 1 किलो दूध आएगा, घर में छाछ पियो ना, दही खाओ ना, मीठा खाओ ना, जो हेल्थ के लिए अच्छा। इसलिए रामदेव बाबा का योगा देखना, वो बोलते हैं अगर खाली पेट में कोई चाय पिएगा ना, बीमारी पड़ेगा,
कहते गैस्ट्रिक होता है, उससे गैस्ट्रिक होता है। चाय पीने के लिए कोई भी अच्छे डॉक्टर कभी चाय पीने के लिए आपको एकदम नहीं बोलेगा भाई चाय को छोड़ो, इसलिए चाय भी एक नशीली वस्तु है। कोशिश करो अगर पीने का इच्छा है, एक हर्बल टी है, एक गोकुल टी है, एक प्रज्ञा है, आपको पता होगा जो जड़ी बूटी से जो बना हुआ है, जिसको पीने से हेल्थ हमारी अच्छी रहेगी। चाय पीने तो उसको पियो जो हेल्थ, अगर लिखे पड़े, अगर बेकूक हो मूर्ख हो तब तो पियो जाओ, मना कौन कर सकता है। अगर खुद को अगर समझ तो हम पंडित है, हम लिखे पड़े हैं, जो चीज़ हेल्थ के लिए अच्छा है उसको पियो ना, पीना की इच्छा ठीक है ना, कोशिश करो हर्बल टी पियो। जो हमारे भारतीय से जिसको रामदेव बाबा ने जिसको जड़ी बूटी बनाया, जो हेल्थ के लिए अच्छे वो चीज़ पिया करो ठीक है। इसलिए नस्ली वस्तु नहीं लेनी चाहिए। और मैंने बताया था गुटखा भी मत लो। गुटखा का पहला अक्षर क्या बोलो तो? अरे बोलो गुटखा का पहला अक्षर क्या है? जोर से बोलो। ये गुटखा नहीं, ये गुफा है। आप लोगों ने रिसर्च करके देखना, जिसने ये गुटखा की कंपनी खुला था वो स्वयं कैंसर में मरा। अब खोल कर देख लेना, सर्च करके देख लेना, वो खुद तो कैंसर में मरा, दुनिया को कैंसर में बर्बाद कर दिया। इसलिए ये सब गंदी चीज है इसलिए कुछ। और शराब तो नहीं पीनी चाहिए, मैंने पहले बताया था जो शराब पीते हैं तीन लाभ होता है। कितना लाभ होता है बोलो, कितना लाभ होता है? पहला लाभ क्या? बूढ़ा नहीं बनेगा। बोले बूढ़ा कब बनेगा? जिंदा रहे तब तो बूढ़ा बनेगा है, पीपा आकर तो आधा उम्र में खत्म हो जाएगा। दूसरा लाभ, घर में चोरी नहीं होगा। बोले चोरी कब होगा? घर में कुछ हो तभी तो चोरी होगा, वो तो सब बेच बाच कर पीपा कर खत्म कर देगा। इसलिए इस सब चीज को शास्त्र मना करता है, हैं? ये गंदी चीज को दूर रहने के लिए भागवत मना करता है। भैया ये गंदी चीज को छोड़ो, छोड़ करके भगवान की भक्ति को ही अपना जीवन में नशा बनाओ। जो साधारण जो नशा सवेरे पियो सवेरे उतर, रात को पियो सवेरे उतर जाता है, लेकिन कृष्ण भक्ति की नशा पियो तो उतरेगा कभी? वो नशा बढ़ती रहती है, वो नशा कभी नहीं उतरती है। इसलिए नशा करना तो भगवान की भक्ति को, प्रेम की जीवन में नशा प्रेम को बनाओ। तीसरे चीज बताए स्त्री, बोले स्त्रियों को ऊपर में कली का निवास। बोले कौन सा स्त्रियों को ऊपर में कली का निवास है? बोले जो अवैध रूप में स्त्री पुरुष को साथ में मिलते हैं और पुरुष जो स्त्रियों को साथ में मिलते हैं। संसार करो शादी करके अपना धर्म पत्नी को साथ में ही अपना गृहस्थ धर्म निभानी चाहिए। बगैर शादी के जो अवैध रूप में जो बॉयफ्रेंड अभी गर्लफ्रेंड बनाते शास्त्र एकदम मना करते हैं। अब भागवत पढ़ करके देखो, उनके लिए कठोर दंड की विधान बताए। जो बगैर शादी के जो दूसरे पुरुष स्त्री स्त्री पुरुषों से मिलते हैं, इसलिए बोले ये चीज पाप का चीज है। और जो चौथा चीज है जीव हिंसा। जीव हिंसा में बताए मांस मछली अंडा और ये प्याज लहसुन, ये चीज को मांस मतलब पहले बताया था, ये एक संस्कृत शब्द है। मान मतलब मुझको, सह मतलब वह, मतलब अभी जो जिसको खा रहे हो बाद में तेरे को जो खाएगा। इसलिए अंग्रेजी में कहते मीट। मीट मतलब क्या? मी ईट। मी मतलब मुझे, ईट मतलब खाना, उसको बदला दो क्या? ईट मी मतलब जिसको तू अभी खा रहे हो बाद में तेरे को जो दोबारा खाएगा। इसलिए ये चीज को हमें परित्याग देनी चाहिए हैं। और ये प्याज लहसुन भी त्याग देनी चाहिए। मुझे लगता है आप लोग कोई मांस मछली नहीं खाते होंगे, आप लोग तो अच्छे आदमी हैं, सज्जन आदमी है, अच्छे आदमी हो, लेकिन ये प्याज लहसुन खाते होंगे कोई कोई, है ना। लेकिन देखो जैसे अभी नवरात्रि है, जैसे नवरात्रि है, नवरात्रि में कोई 9 दिन तक प्याज लहसुन खाते हो? खाओ तो नहीं। बोले क्यों नहीं खा रहे? क्योंकि माता जी को पसंद नहीं, कभी तो नहीं खा रहे। क्या 9 दिन तक दुर्गा दुर्गा फिर मुर्गा मुर्गा फिर? क्या 9 दिन तक मैया को खुश रखना फिर खा करके नाराज करना फिर? इसलिए जो चीज माता जी को पसंद नहीं है, माता जी को भगवान को जो चीज भोग नहीं लगता वो भी हमें नहीं लगनी चाहिए। क्योंकि ये चीज ठाकुर को भोग नहीं लगता है, माता रानी को भी भोग नहीं लगता, हनुमान जी भी नहीं खाते हैं, भगवान भी ये चीज को ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए आप लोग भागवत में आपको सुनाया था और एक बार सुना देता हूँ, ध्यान देकर सुनो क्यों इसको नहीं खानी चाहिए।
हमारे शास्त्र इसको क्यों मना के? कारण है, पहले पहले ऋषि मुनि लोग आश्रम में गैया पालते थे, लेकिन एक गैया को हम माँ कहते हैं, गो माता। अगर कोई गैया बूढ़ी हो जाती थी फिर उसको मारने नहीं देते थे, गो माता। वो यज्ञ करते थे, यज्ञ में बलिदान देते थे। ऋषियों के पास में ऐसे मंत्र शक्ति होती थी जो दो बार मंत्र पढ़ने पर गैया बूढ़ी गैया को जवानी बना देते थे। अभी आश्रय में कोई गैया बूढ़ी हो गई, यज्ञ की अनुष्ठान की, गैया को बलिदान दिया, संधारण दे दिया आहुति देने के लिए। लेकिन हर तरह के लोग होते हैं, किसने वो मांस को खा करके लोभ आ गया खाने के लिए, उसने राख में छुपा दी, लेकिन सबके सब आहुति डाले। ऋषि ने जब मंत्र पाठ किया बूढ़ी गैया फिर जवानी बनकर निकला, लेकिन जिस अंग का मांस उसने छुपाया था वहाँ पर इतने बड़े घाव बना हुआ। ऋषि बोले इसका घाव क्यों बना हुआ, तो घर पूरा परिपूर्ण नहीं। ध्यान लगाया, देखा किसने मांस खाने के लिए छुपाया, अभिशाप दे दिया। बोले जहाँ पर ये मांस को गाड़ दिया, मांस जैसे लाल रंग के वहाँ पर प्याज की पौधा होगी, वो भी लाल लाल बनेगा। जैसे मांस सड़ जाने पर बदबू आती है, आप देखना कच्चा प्याज खाओ मुँह में, आपके मुँह से भी बदबू आएगा। यहाँ प्याज काटे देखना, पूरा पता चलेगा नहीं प्याज कट रही है, आँखों से आंसू आ जाती है। इसलिए 9 दिन तक, क्यों ये प्याज को 9 दिन तक नहीं खा रहे, उसका सृष्टि गो मांस से हुई है, इसलिए 9 दिन तक कोई इस चीज़ को कोई ग्रहण नहीं करते हैं, ये दिन तक कोई नहीं लेते थे। अभी बोले को फिर हम लोगों को कहाँ ये प्याज कसम आया, कभी ये मुगल लोग ने लाए, ये मुसलमान लोग लाए, ये मांस मछली शराब प्याज ये सब मुगल लोग लाए। और धीरे धीरे हमको खिला करके पहले प्याज खाओ, कुछ दिन बाद पहले अंडा ले आओ, कुछ दिन बाद में फिर मांस घर में लाओ, क्योंकि धीरे धीरे नशा तुम्हारे बढ़ते जाएगा, आदत बढ़ते जाएगी। इसलिए ये चीज़ को कोशिश करो, जैसे छूट जाए घर में जो कुछ जो खाना बने, सबसे पहले भगवान को भोग लगाओ, ठाकुर जी को सामने रख करके तुलसी पत्ता देकर ठाकुर जी को भोग लगाया करो। भगवान को भोग खाने से कितना जैसे खाओगे अर्ना कहीं से मन का अपना है, भगवान के प्रसाद खाने से मन को शांति मिलती है। हम लोग स्वयं देख लेना, भगवान प्रसाद मांग मांग कर खाते हैं। इसलिए सुदामा जी का नाम सब जानते हो, कौन कौन जानते हो सुदामा का नाम? अभी सुदामा है, आप पढ़ कर टीवी में देखे होंगे, ये सुदामा पहले गरीब क्यों बना, ये बाद में फिर ये धनी क्यों बना, आप देखे होंगे टीवी में देखे होंगे। जब कृष्ण सुदामा जंगल में जा रहे थे, आप टीवी में देखे होंगे, गुरु माता ने सुदामा जी को चाना दिया था, बोले सुदामा ये कृष्ण को देख रे खाई हो। अब देखे होंगे पेड़ के ऊपर चढ़ कर के भगवान को नहीं देख रहे तो अकेला अकेला खाया, भगवान बोले मेरे हिस्से को खाया तुमने, इसका तुमको फल भुगतना पड़ेगा। फिर गरीब बना, धनी कब बना? फिर जब भगवान को दर्शन के लिए गए, केवल 2 मोटी चिड़वा लेकर गया था, और 2 मोटी चिड़वा से ठाकुर जी त्रिभुवन का राज्य दिया। इसका शिक्षा देते हैं, घर में जो खाना बनती है अगर तुम ठाकुर को भोग देकर खाओगे ना, घर में पैसा आएगा, देख लेना घर में लक्ष्मी आएगी। क्यों पैसा को लक्ष्मी कहते हैं? लक्ष्मी ठाकुर जी को, जब ये लक्ष्मी ठाकुर जी को सेवा में लगती है ना, लक्ष्मी खुश हो जाती है। देखना छुपा छुपा कर तुम्हारे घर में पैसा दे जाएगी, क्यों वो लक्ष्मी लग रही ठाकुर का सेवा में। इसलिए आप लोग प्याज लहसुन के बगैर भोग लगाओ, ठाकुर जी को भोग लगा कर खाओ, ठीक है? देखो जैसे हमारे सुखवीर प्रभु जी, इधर ध्यान देकर देखो, अभी यहाँ पर प्रसाद रोज रोज बनता है, खाना बनता है कि नहीं? आप बताओ प्रसाद में स्वाद आता कि नहीं, बोलो, आप बोलो स्वाद आती कि नहीं? आती है ना, कि तो बगैर प्याज लहसुन बन रहा। हाँ देखना घर में रोज रोज प्याज लहसुन खाते हो, एक दिन कोई तिथि आ गई जिस दिन घर में बगैर प्याज लहसुन के बनता है, देखना उसमें अलग टेस्ट आता है, आती कि नहीं अलग टेस्ट? क्यों वो ठाकुर को भोग लगा। अगर रोज अगर ठाकुर को भोग लगा रोज ही बढ़िया टेस्ट आएगा, ठीक है? इसलिए कहती ये सारी गंदी चीज को छोड़नी चाहिए, बोले 4 चीज को जोड़ो, 4 छोड़ो और 4 चीज जोड़ो। बोले 4 चीज को क्या जोड़ेंगे? हाँ इसको ध्यान देकर सुना, 4 चीज को हम क्या जोड़ेंगे जीवन में, क्या ले करके कथा से जाए? पहला चीज ये लेकर के जाओ, एकादशी व्रत रखे। कौन कौन एकादशी व्रत रखते हैं? हाथ उठाओ। हाँ देखो ये जो एकाद भागवत में ना कोई व्रत का नाम नहीं है,
जैसे सोमवार मंगलवार बुधवार कोई व्रत का नाम नहीं, केवल भागवत में आपको एकादश की कथा मिलेगी जिसको अम्बरीश महाराज रखते थे, जिसको मैया जसोदा और श्री नंद बाबा रखते थे एकादशी व्रत को। केवल एक एकादशी कथा आई है, कहते जो एकादशी व्रत को बताया कल्पतरु व्रत। कल्पतरु व्रत मतलब है अगर आपका घर में कहीं एकादशी की पुस्तक हो खुद पढ़ करके देखना। एक एकादशी का नाम पुत्रदा, पुत्रदा मतलब होता है जिनकी घर में पुत्र संतान नहीं हो रहे। ये कृष्ण कैसे हुए हम पहले सुने ना, नंद बाबा का पहले बेटा था नहीं, उन्होंने ये पुत्रदा एकादशी किए तो घर में कृष्ण जन्म हुए। जिनकी संतान नहीं वो एकादशी का पुत्र आएगा। एक एकादशी का नाम इंदिरा, इंदिरा मतलब होता है लक्ष्मी। जिनके घर में पैसा की कमी, जिनकी धंधा नहीं चल रही, घर में लक्ष्मी की कमी, वो एकादशी का नाम इंदिरा। इंदिरा मतलब लक्ष्मी, वो एकादशी को करो घर में तुम्हारी लक्ष्मी आएगी। एक एकादशी का नाम अर्णदा, अर्णदा मतलब तुम्हारी घर में अन्न शस्य की कमी है, वो एकादशी करो घर में अन्न शस्य आए। एक एकादशी का नाम पाप मोचन, इसका मतलब है जीवन में जितने हमने पाप किया पाप का फल तो दुख कष्ट है ना, वो एकादशी करने से तुम्हारे सारे पाप दूर हो जाएगा। अब स्वयं देख लेना, कोई व्यक्ति अंतिम सज्जा में लेटा हुआ, प्राण जा नहीं रहे, महीना महीना से पड़ा हुआ, किसी पंडित को बुलाओ इसकी सदगति जल्दी कैसे होगा, अब देखना क्या बोलता है। बोले कोई एकादशी करके फल दे सकते हैं, कोई व्रत का नाम नहीं बोलेगा, केवल एक एकादशी का नाम बोलेगा। देखो मेरी अनुभूति बात है, मैं यूरोप में तो विदेश जाता हूँ प्रचार करने के लिए, मैंने यूरोप गया था प्रचार करने के लिए। वहाँ पर एक हॉस्पिटल में एक व्यक्ति 2 साल से पड़ा हुआ था, शरीर में केवल हड्डी हड्डी रह गया था, उसका प्राण गले में अटक गया था, प्राण नहीं जा रहा था, पैसा पानी जैसे पैसा बह रहा था, सही नहीं हो। जब उनको पता चला भारत से कोई संत आए, मेरे को हॉस्पिटल में बुला करके लेकर गए। बोले बाबा हमारे पिताजी सालों सालों से पड़े हुए, इतने कष्ट पा रहे हैं, शरीर हड्डी हड्डी रह गया, इनकी सदगति कैसे होगा बोलो। मैंने कहा एक काम करो, उनका परिवार के लोग थे, तुम लोग इस बार एकादशी का फल आप इनको देना, सब एकादशी व्रत रखना। बोले बाबा अभी 10 दिन बाकी है, ये एक एक दिन बड़े कष्ट से बीत रहा है। मैंने सबके हाथ में फूल दिया, संकल्प दिया, बोले तुम लोग संकल्प करो हम इस बार पूरा परिवार एकादशी व्रत करके फल देंगे। मैंने उनको मंत्र पढ़ा करके संकल्प कराया। मैंने जब वहाँ से अपना घर जिस भक्तों घर में रुका था, जब उनके घर में आया ना फोन आया, बोले बाबा हमारे पिताजी की सदगति हो गई, सदगति पिताजी की हो गई, इतने एकादशी की महिमा। इसलिए भागवत में कोई व्रत का नाम नहीं है, एकादशी केवल कथा थी एकादशी की। एक का नाम विजय एकादशी, अगर तुम कहीं कोर्ट मामला कुछ इधर उधर चीज हो रही है, अगर वो विजय एकादशी करो तुमको कोई फेल नहीं कर सकते, हर समय तुम्हारी जय होगा तुम्हारी, इसलिए उसका नाम विजया। एक एकादशी का नाम मोक्षदा, मतलब जिसको करने से संसार की बंधन से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। इसलिए आप स्वयं पढ़ कर देखना, हर एकादशी का अलग अलग नाम। लेकिन कुछ लोग कहते नहीं विधवा करते सदवा थोड़ी करते हैं, अब भागवत पढ़ कर देखो क्या मैया जसोदा विधवा हो गई, अम्बरीश महाराज का पत्नी क्या विधवा हो गई थी। सबसे जो बड़ी एकादशी बताओ तो कौन सा एकादशी सबसे बड़ी, निर्जला, पांडवा निर्जला, जिसको पंच पांडव द्रौपदी को साथ में करते थे एकादशी, इसलिए द्रौपदी स्वयं करती थी। कुछ कुछ लोग कहते भैया उद्यापना फिर करना पड़ता, नहीं भागवत में कोई उद्यापन का नाम है ही। ये साक्षात एकादशी लक्ष्मी स्वरूपिणी है, जब तक तुम्हारी समर्थ तब तक एकादशी व्रत रखो, समर्थ नहीं तो एकादशी नहीं रख पाओगे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एकादशी सभी को करनी चाहिए। एकादशी का दिन अन्न में गो हत्या, नर हत्या, ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, सबसे बड़े बड़े पाप एकादशी का दिन अन्न में रहते हैं, इसलिए एकादशी जरूर रखो। अनजान में पुराण में कथा आती है, एक समय सवेरे सवेरे पति पत्नी में लड़ाई हो गई, देखना अगर लड़ाई हो जाए ना पति पत्नी 2-3 दिन तक एकादशी चलती है, उपरा निर्जला एकादशी चलती है। देखना एक समय उनको पता नहीं था जी एकादशी, सवेरे हो गया लड़ाई, लड़ाई हो गया तो पत्नी बोली मैं खाना नहीं बनाऊंगी, पति बोला मैं खाऊंगा तभी तो तुम खाना बनाओगी, इसलिए उनकी एक पता नहीं था जी एकादशी, दोनों का निर्जला हो गया। अगले जीवन में देश का राजा रानी वो रुक्मांगद महाराज होकर जन्म होगी, और इतने उनकी एकादशी में निष्ठा रही
पृथ्वी का राजा बने, बोले मेरे देश में जो रहेगा उसको एकादशी करना पड़ेगा, जो नहीं करेगा देश से निकाल दूंगा उसको, लास्ट में बैकुंठ से रथ आया लेने मिलूंगे। इतने महिमा एकादशी की, ये 15 दिन में एक बार एकादशी आती है। देखो जो जिसको कोई बीमारी हो, जैसे आप रह नहीं सकते, 2 बार भी खाओ 3 बार भी खाओ कोई इसमें बुराई नहीं, लेकिन उस दिन अन्न नहीं खानी चाहिए हैं। कोशिश करो 3-4 बजे तक रहने के लिए। देखो उसमें शरीर के लिए भी सही है हैं, जैसे ये शरीर एक मशीन है, अगर कोई मशीन को अगर कंटिन्यू चलेगा ना, इतना ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, वो खराब हो जाएगा। लेकिन जैसे मशीन को कोई थोड़ा रेस्ट दे करके मशीन चलाओ बीच बीच में, वो बहुत दिन तक काम करेगी। हमारी शरीर भी एक मशीन है, अगर बकरी जैसे दिन भर मुँह चलाते रहोगे तब तक शरीर चलेगा। इसलिए ऋषि मुनियों ने भैया 15 दिन में तो रेस्ट दो, जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, संडे को छुट्टी रहती कि नहीं? अभी तो सैटरडे संडे भी 2 दिन छुट्टी रहने लग गया। बोले क्यों? बच्चे को 7 दिन पढ़ाओ ना, बढ़िया पढ़ेगा, नहीं पागल हो जाएगा, पढ़ेगा नहीं। इसलिए जो ये सब चीज ऋषि मुनियों ने जो दिया है वो हेल्थ सही रहेगा, तभी तो भगवान की भजन करोगे ना। इसमें 2 दृष्टिकोण से दिया, एक शरीर की भी शरीर जो, और भगवान की चरण भी भक्ति हो, 2 चीज को देख करके। इसलिए आप लोग कोशिश करना, 15 दिन में एक एकादशी है, केवल अन्न को छोड़ करके आप सब कुछ खा सकते हो। कितने खाने के लिए, तो जैसे अभी माँ देवी की व्रत है, खाएगी आलू की सब्जी और कुट्टू पकौड़ की आटा, कुट्टू पकौड़ा खाते होंगे, मखाना की खीर बना देते होंगे, मूँगफली खाने के लिए, तो ड्राई फ्रूट फ्रूट क्रीम खाने के लिए, बहुत सारी चीज़ खाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अपना मन को थोड़ी सी समझाओ, ठीक है? बोले सी एकादशी तिथि की दूसरी चीज है, हर घर घर में ठाकुर जी की जरूर पूजा होनी चाहिए है, घर में जरूर ठाकुर जी रखा करो, क्योंकि दुनिया ठाकुर जी बनाए, ठाकुर का ही सबको दिया हुआ वस्तु है। इसलिए जरूर घर में ठाकुर जी हो, घर में लड्डू गोपाल हो, राधा कृष्ण हो, नहीं तो सीताराम हो, राधे श्याम हो, जिसने सब कुछ हमें दिया है उसके लिए भी हमारी कुछ दायित्व तो होता है। हर घर में ठाकुर होनी चाहिए। शास्त्र बताया जिसको घर में ठाकुर को सेवा पूजा, वही घर ही वृंदावन धाम है। इसलिए घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, दर्शन गोविंद जी को हाली होए, लागे वृंदावन को। इसलिए जिन घर में तुलसी वृक्ष हो, घर में ठाकुर जी की पूजा हो, वही घर ही वृंदावन है। इसलिए जरूर घर में ठाकुर रखा करो, और ठाकुर जी को बड़े प्रेम से सेवा करो। कैसे सेवा करनी चाहिए? देखो ध्यान देकर सुने, इधर ठाकुर को सेवा कैसे करनी चाहिए? बोले आत्मवत, तुम दोनों वहाँ से अलग होकर बैठ जाओ, अलग होकर बैठो। इसलिए देखो कथा सुनने का एक नियम है, जो जिसको जानते हो ना तो अलग बैठ जाओ, नहीं तो संसार की बात करोगे। हाँ, इसलिए देखो ये जो 14 दिन की जो लास्ट जो कथा है ना, अगर इतनी सी कथा लेकर गई तो समझना पूरी कथा फल मिल जाएगा, इतनी सी कथा लेकर के जाओ। इसलिए ठाकुर जी को मैंने उदाहरण दिया ना, जैसे अपना शरीर को अच्छे तरह से सजाओ, बढ़िया से आप शीशा को सामने खड़े हो जाओ, देखना ये शरीर को जैसे सजाओगे तुम्हारी परछाई भी जैसे सज जाएगा। परछाई को सजाने का जरूरत नहीं है, केवल अपना शरीर को सजाओ। इसका मतलब है आप स्वयं देख लेना, जिनके घर में ठाकुर को जो जितनी अच्छी तरह से पूजा से पाते हैं, जिस घर में ठाकुर को बढ़िया से खिलाते हैं पिलाते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, देखना उसी घर में कभी दुख कष्ट ठाकुर आने नहीं देते। ठाकुर जी लक्ष्मी अपने आप घर में आती, क्यों? लक्ष्मी नारायण की है। जब ठाकुर का सेवा करोगे तभी तो घर में लक्ष्मी आएगी, लक्ष्मी आएगी कहाँ से? नहीं तो घर में लक्ष्मी भी आना कम कर देती है, क्यों? तुम लक्ष्मी को तुम ठाकुर की सेवा में नहीं लगा रहे, वो भगवान की लक्ष्मी है। इसलिए घर में ठाकुर जी की हो, जरूर अच्छे तरह से ठाकुर की सेवा पूजा करो, आरती करो, ठाकुर का स्नान कराओ, चरणामृत खाओ, ठाकुर का श्रृंगार कराओ, ठीक है ना? देखो एक छोटी सी कथा सुनो, ठाकुर जी की सेवा करने का कितना महत्व है। एक समय ये अयोध्या की कथा, ये सही कथा है। बोले एक समय अयोध्या में एक संत रहते थे, उनका एक शिष्य था जिनका था रामदास, छोटा बच्चा। अभी गुरु जी को किसी कारण से कहीं दूर देश जाना पड़ा, बोले बेटा मैं कुछ दिन के लिए जा रहा हूँ, तुम राम, उनका राम दरबार था, तुम सेवा कर दोगे ठाकुर को? बोले गुरु जी अगर बोलोगे जरूर ठाकुर को सेवा करूँगा। बोले देख बेटा ठाकुर को बढ़िया से खिलाना, अच्छे तरह से सेवा करना। बच्चा बोला गुरु जी कोई चिंता मत कर, अब जाओ। अब जब गुरु जी चले गए, छोटा बच्चा था, उसने कभी ठाकुर को पूजा की नहीं, अभी घर में रोटी सब्जी बनाई और ठाकुर को सामने रख दिया, लेकिन देखा ठाकुर जी तो उतर करके भोजन नहीं कर रहे, लेकिन छोटा बच्चा था ना,
वो सोच रहा था जैसे हम खाते हैं ठाकुर ऐसे खाते हैं, लेकिन ठाकुर जी उतर कर भोजन नहीं कर रहे। बोले ठाकुर जी, गुरु जी बोले अच्छे तरह से सेवा करना, लेकिन आप तो भोजन नहीं कर रहे। गुरु जी को डांट लगाएंगे, इसलिए गुरु जी आप अच्छे तरह से भोजन कर लो, ठाकुर जी भोजन कर लो। लेकिन तब भी ठाकुर उतर कर भोजन नहीं कर रहे थे। बोले ठाकुर जी अगर भोजन नहीं करोगे ना, ये सरयू, आप कभी गए हो तो अयोध्या में, वहाँ सरयू नदी है। बोले अगर आप भोजन नहीं करोगे तो सरोजी में आत्महत्या कर दूंगा। अभी उन्होंने गए आत्महत्या करने के लिए गए, भगवान उसकी भक्ति देख करके ना ठाकुर जी हिल गए। हनुमान जी को बोले हनुमान जी जल्दी जल्दी जाओ उसको पकड़ करके ले आओ। बोले ठाकुर जी भोजन कर रहे हैं और वो छलांग लगाना चाह रहे थे, इतने माता जी अभी वो छलांग लगाने जा रहे थे, इतने में हनुमान जी आकर पीछे से पकड़ लिए। बोले हनुमान बोले छलांग मत लगाओ, भगवान भोजन कर। बोले भोजन कर रहे हैं सचमुच से, देखा भगवान राम भोजन किया है। इसलिए कहते ना, कोई कहते हैं भगवान खाते नहीं, बोले सबरी जैसे तो खिलाते नहीं। भगवान सबरी का झूठा बेर खाए कि नहीं? दुर्योधन की मेवा के आगे स्याग विदुर घर खाए था बोलिए। कोई कहते हैं भगवान आते नहीं, बोले द्रौपदी जैसे तो बुलाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान सोते नहीं, बोले मैया जसोदा जैसे तो सुलाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान नाचते नहीं, बोले ब्रज गोपियाँ जैसे तुम नचाते नहीं। भगवान सब कुछ करते हैं, लेकिन ऐसे भक्त तो बनो। भक्त बन प्रहलाद महाराज खंभे से भगवान को प्रकट कर दिया। क्यों? उनको विश्वास थी, उनको विश्वास थी। प्रभु जी अब चुपचाप बैठवा क्यों खड़े हुए? इसलिए उन्होंने तो ठाकुर जी भोजन किए, फिर माता सीता जी सब भोजन किए, लास्ट में उसने भोजन किया। लेकिन जब दो चार दिन की सेवा की ना, इतने में वो छोटा बालक था, बोले ठाकुर जी मेरे से इतना नहीं हो पा रहा, अकेला जाओ भिक्षा लाओ, अकेला लकड़ी लाओ, अकेला रसोई बनाओ, अकेला पतल लाओ, मैं अकेला कितना करूँगा। भगवान राम बोले बताओ हम तुम्हें मदद कर देंगे, बेटा कोई चिंता मत करो, बताओ मैं क्या करूँ। बोले घर की पिता आप हो, इसलिए आप थोड़ी सी दोना और थोड़ा पत्ता आप बना देना। बोले ठीक है बेटा मैं कर दूंगा। इतने में लक्ष्मण को बोले, लक्ष्मण बोले मैं क्या करूँ। बोले आप थोड़ा सूखी सूखी लकड़ी थोड़ी सी जंगल से ले आना। बोले भैया आपने रामायण देखे कि नहीं? बोले लक्ष्मण बोले 14 साल के लिए तुम यही काम किया, कोई चिंता मत करो मैं लकड़ी ले आऊँगा। हनुमान जी बोले बताओ मैं क्या करूँ। बोले जितने बाहर का काम है ना सब आप देख लेना। बोले भैया मैं तो यही किया। सीता बोले मैं क्या करूँ। बोले आप तो घर की माँ क्या करती, रसोई बनाती, अब थोड़ा रसोई बना देना। बोले भैया 14 साल तो मैंने यही काम किया। इतने में केवल वो बच्चा भिक्षा मांग करके ले आता और मैया जानक इतने सुंदर रसोई बनाती हैं, बढ़िया से सेवा चल रहा था। अभी गुरु जी का पत्र आया, बेटा रामदास मैं आ रहा हूँ, मेरे साथ में कुछ संत लोग आ रहे हैं, एक टाइम के लिए भोजन की व्यवस्था करोगे ना, फिर आ करके हम सब कुछ देख लेंगे। इतने में उन्होंने माता जानकी को बोले, बोले मैया गुरु जी का लेटर आया है। बोले बेटा कोई चिंता मत करो, तुम थोड़ा ज्यादा करके ले आओ, चून थोड़ा ले आओ, मैं रसोई बना दूंगी। उन्होंने गुरु जी को पास में पत्र लिखे, बोले गुरु जी कोई चिंता मत करो, जितना संत आए ले आओ। माता जी बोली जितने संत आना चाहते आए। और रोज रोज माता जी सीता जी बड़ी सुंदर सुंदर भोजन बनाती हैं, लक्ष्मण भैया तो सुखी सुखी लकड़ी ले आते हैं, और हनुमान भैया सारे काम कर लेते हैं, और राम पिताजी बड़े सुंदर दोना और पत्ते ले आते हैं। गुरु जी को तो पता नहीं, गुरु जी बोली पागल क्या कह रहे, उनको तो पता नहीं है क्या हो रहा है। इतने में गुरु जी तो बड़े चिंता कर गया है, पता नहीं छोटा बच्चा क्या क्या होगा। देखा इतने खाना अपना बनी हुई, पूरा घर भरा हुआ है। बोले इतने सारे खाना किसने बनाया? देखा माँ लक्ष्मी स्वयं सीता कोने में बैठी हुई और रसोई बना रही है माँ सीता। और गुरु जी को देखते ही ना थोड़ी सी मुस्कुराई, मैया सीता अंतर ध्यान हो गई, सबके सब अंतर ध्यान हो गए। गुरु जी ने बोले बेटा ऐसे कैसे हो गया? बोले गुरु जी जब आप चले गए ना, ठाकुर तो भोजन ही नहीं कर रहे थे, मैं तो आत्महत्या करने के लिए जा रहा था सरयू में, तब ठाकुर जी फिर जा करके मेरे पकड़ करके हनुमान भैया लाए, तब से भैया बड़ी सुंदर रसोई बनाती हैं, लक्ष्मण भैया लकड़ी ले आते, हनुमान सारे काम कर देते। गुरु जी तो देख करके इतने खुश हो गए, बेटा तेरे जैसे चेला को पा करके मेरा जीवन धन्य हो गया है। अगर आप ठाकुर का ऐसे सेवा करोगे ना, आप देख लेना हम कितना करते हो, तुम कन्हैया मेरा नाम हो रही है, तेरी कृपा से सारे काम।
आप स्वयं ये चीज का अनुभूति करके देखना, जो जितनी अच्छी तरह से ठाकुर को सेवा पूजा करोगे, आप देखना बड़े बड़े काम जो हमसे नहीं हो सकता है, देखो जैसे अपने आप हो रहे हैं। इसलिए कहते करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, लेकिन विश्वास पूर्वक हमें करनी चाहिए। इसलिए घर में अच्छे तरह से ठाकुर को सेवा पूजा करो, ऐसे नहीं दिन में तो खुद तीन बार ड्रेस बदला दो, ठाकुर 10 महीना 15 दिन हो गया एक कपड़ा पहन कर बैठे, ऐसे नहीं होनी चाहिए। कहते जैसे तुम खाते हो जैसे तुम पहनते हो, ठाकुर को भी ऐसे आत्मबद्ध सेवा करनी चाहिए, तभी तो ये ठाकुर फिर फलीभूत फिर तक फल प्रदान करते हैं। इसलिए ठाकुर को सेवा करना और भगवान की नाम जप करने चाहिए। हम लोगों ने कितना दिन तक कथा सुनी, जोर से बोलो 7 दिन तक। बोले ये कथा 7 दिन तक क्यों होता है, कथा ये 7 दिन तक क्यों कथा होती है, बोले इसका एक रहस्य है। देखो ये हमारे गुरु जी कहते थे, बोले एक समय कहते परीक्षित महाराज के पास में 7 दिन था, ऐसे नहीं हमारे पास में 7 ही दिन है, ज्यादा दिन नहीं है। कितना दिन है, दिन कितना होता है, 7 ही होता है ना, इसलिए हमारे पास में 7 ही दिन है हमारे पास में। तो गुरु जी एक कथा सुनाते थे, बोले एक समय कोई एक संत किसी राजा से मिलने के लिए आए, बोले महाराज आपसे 1 मिनट बात करना चाहता हूँ। वो सोचते थे बाबा क्या आप इसलिए आते, थोड़ा भिक्षा लेने के लिए आते होंगे। तो उन्होंने 101 रुपया भेज दिया, उन्होंने लिया नहीं, बोले 1 मिनट मेरे को समय दो। उन्होंने 2001 रुपया दे दिया, 10,000, बोले मैं पैसा लेने नहीं 1 मिनट मेरे को समय दो, बोले मेरे पास में कोई समय नहीं संतों से बात करने के लिए। तो रानी को पास में गए, जब रानी सुना संत आए, बोले घर में बुला करके ले आओ। तो बड़े आदर पूर्वक उनको बैठाए, बोले बाबा बताओ क्या सेवा करें। बोले रानी मैं तो कोई जरूरी काम लेकर के आया था राजा से बात करने के लिए, लेकिन राजा मिला ही नहीं, बोले मेरे को ही बताओ मैं ही सेवा कर दूंगी। बोले महारानी ध्यान देख रहे सुना, मैं अपना भजन का दिव्य दृष्टि से देखा, जो राजा है ना ये 7 दिन में मरने वाला है, मैंने सोचा कम से कम इतना तो उपकार कर दूं, लेकिन राजा मेरे से मिले ही नहीं। बोले क्या बोले वो 7 दिन में मर जाएगा, बोले हाँ मैं तो अपना दिव्य दृष्टि से देखा। बोले ये बात राजा को पास में पहुँचा करा, रानी तो घबरा गई, अभी नई नई घर में बहू आ गई, कोई बोले राजा 7 दिन में मर जाएंगे। फिर उन्होंने दासी को बुला करके बुलवाया, राजा दौड़ दौड़ करके आया, बोले रानी अभी अभी गया था क्या बात पड़ गई। बोले आपके पास में कोई संत मिलने के लिए गए, बोले हाँ। बोले आप उनसे मिले, बोले मेरे पास में समय नहीं था मैं तो बड़ा बिजी था। बोले महाराज जब भगवान की कोई विशेष कृपा होता है तभी जीवन में कोई संत मिलते हैं, और जीवन में सचमुच से कोई संत मिल जाए क्या समझो संसार का दुख कष्ट हमारा खत्म हो गया है। हमारी भगवान अंतिम जीवन ये है, इसको बाद में और जीवन लेना नहीं पड़ेगा हमें, इसी जीवन में हमें मुक्ति मिलेगी। और मैंने बुलाया तो भागते भागते आए, और संत गए तो 1 मिनट भी नहीं था। बोले बताओ तो बात किया, बोले बात तो बड़ी गहरा बात है, वो कह रहे थे आप 7 दिन में मरने वाला हो, अगर किसी को बोलो अभी अभी नई शादी हो घर में बहू आई, अगर किसी को बोल दो ना 7 दिन में मर जाओ क्या होगा, उसी समय आधा ही मर जाएंगे। बोले क्या कह रहे हैं, बोले राजा तो बाबा तो यही बोलने के लिए आए थे। बोले कहे कहा, बोले चले गए, बोले जल्दी जल्दी उनको बुलाओ। जब उन्होंने बुलाए प्रणाम किया, बोले बाबा आपने बताया 7 दिन में मरने वाला, बोले हाँ। बोले ये क्या सही, बोले ध्रुव सत्य में दिव्य दृश्य से देखा। राजा डर गए, बोले चिंता मत करो आपने बहुत दान पुण्य किया इसलिए आपको अक्षय स्वर्ग मिलेगा, लेकिन इस स्वर्ग में सारे सुख सुविधा लेकिन एक कमी। बोले क्या, बोले वहाँ बड़े बड़े मच्छर रहते हैं, जब आप रात को सोओगे मच्छर आपने काटेंगे। बोले फिर, बोले चिंता मत करो मच्छरदान का व्यवस्था भी है, लेकिन एक चीज कमी, बोले कोने में एक छेद है उधर से मच्छर घुस सकते हैं। बोले फिर, बोले जब आप शरीर छोड़ो ना एक सुई धागा साथ में ले चलना। बोले सुई धागा, बोले हाँ मरते समय की सुई धागा ले जाना, उसको सिलाई करना आराम से सोओगे। बोले मरते समय तो यही जला देंगे, सुई धागा कैसे ले जाऊंगा। बोले महाराज आपको पता है मरते समय एक सुई धागा भी नहीं ले सकते, नहीं ले जा सकते हो। बोले मेरे को क्या दुनिया को पता है कि सुई धागा भी नहीं ले सकते। बोले महाराज आपको इतनी सी बात मैंने समझाने के लिए आया था, जिस राज कार्य में आप इतने बिजी हो 1 मिनट किसी संत से मिलने के लिए समय नहीं, लेकिन यहाँ से जब जाओगे एक सुई धागा भी साथ में चलने वाले हैं। तब उन्होंने बताया ये बताओ जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है, जब 4 व्यक्ति कंधे पर ले जाते हैं क्या बोलते बोलते ले जाते हैं,
बोले यही बोलते राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है और सत्य बोलो व्यत्य है सब कोई माँ झूठा। इसका मतलब क्या? बोले जीवन में जितने राम और कृष्ण का नाम लिए हो अभी तेरे साथ में वही जा रहा है, इसके सिवाय तुमने जो कुछ किया बोले झूठे में जीवन बिताया, एक सुई धागा भी तेरे साथ नहीं जा रहा है। बोले जो झूठे को पीछे कितने समय देते हो और सच को पीछे कितने समय तू दे रहे हो, कितने माला जब करते हो। मातृ गर्भ से जब आई भागवत कहता है हम कसम खा करके आए ठाकुर को, ठाकुर जी ये जीवन दे रहे, उठते बैठते तेरे भजन करूंगा, झूठे संसार में नहीं फंसूंगा, हम वायदा करके आए भगवान से। कितने माला कर रहे हो, भजन कर रहे हो, तब संत ने समझाया। बोले देखो अच्छे तरह से समझो, आप भी समझो, उन्होंने आप लोग अच्छे तरह से समझो। उन्होंने जो बात बताई थी, बताया था 7 दिनों में मरोगे, क्या बोला था 3 7 दिन 8 नहीं होता। उन्होंने ये नहीं बताया था 7 दिन बाद में मर जाओगे, ये बोला था, क्या बोला था 7 दिनों में। तब समझाए बोले महाराज मैंने ये नहीं बताया था 7 दिन बाद में मर जाओगे, मैंने कहा था 7 दिनों में मरोगे, 7 8 नहीं होता है। रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र से निचार 7 दिन, ये जब कोई व्यक्ति मरेगा 7 दिन में एक ना एक दिन मरेगा, बस 7 दिन में कोई बाद में नहीं मर जाओगे। जो समझाए ना राजा का 2 बार प्राण आ गया, वो सोच रहा था 7 दिन बाद में मर जाओगे, लेकिन 7 दिन बाद में नहीं मरेगा, जब मरेगा 7 दिन में एक फिर प्राण आ गया। आप मेरे तरफ में देखो, वो संत ने किया दिया, एक माला झोली पकड़वाया। बोले महाराज मैं यही चीज तुम्हें समझाने के लिए आया था, अंतिम समय में केवल प्रभु का नाम जितना करोगे वही जाने वाले, एक सुई धागा भी यहाँ से तेरे साथ में नहीं जाने वाले। उन्होंने ये माला पकड़वाया। बोले काम में जाने से पहले थोड़ी समय भगवान के लिए दिया करो, यही जाएगा, इसलिए उन्होंने ये भगवान का माला दे करके नाम दिया। राजा का जीवन परिवर्तन हो गया। बोले महाराज मेरे को तो आपने नया जीवन दिया, मेरे आँख खोल दी आपने, आज से मैं जब काम में जाऊंगा भगवान की माला जप करके जाऊंगा, जब कोई काम करूंगा ठाकुर को सेवा मान कर करूंगा, हाथों में कर काम करूंगा, मुंह में भगवान की नाम बोलूंगा, फिर जब वापस आऊंगा गीता रामायण पढ़ूंगा, भागवत पढ़ूंगा, भजन करूंगा। इसलिए जीवन बदल गया राजा, इसलिए आप लोग भी 7 दिन कथा मतलब दिन 7 ही हमारे पास में, ज़्यादा दिन है ही नहीं, अंतिम समय में प्रभु का नाम ही जाएगा और कोई जाने वाले नहीं। इसलिए कथा को कितना दिन हम सुने 7 दिन है, इसलिए 7 दिन, इसलिए आप लोगों भी सब सब हरि नाम करना, ठीक है। बहुत लोग आकर तो लगता है यहाँ पर सावर भक्त लोग हैं, अगर कोई चाहेगा हम भी माला जप करना चाहते हैं, कथा को बाद में अगर आओगे आपके एक माला दे दूंगा, वो माला को लेकर भजन करना। कल मैंने बताया था महाप्रभु जब बोले उसको घर में भजन करूंगा जो लखपति, बोले कभी तो हम लखपति बन नहीं सकते, भगवान क्या बोलेगा, असली लखपति कौन है जिसने 1 लाख ठाकुर का नाम जप करते हैं, वही असली लखपति है। इसलिए आप लोग भगवान का नाम लो, भगवान का भजन करो और आनंद में रहो। देखो अभी कृष्ण रुक्मिणी बन गए ना, देखो ये जो कथा है ये 7 दिन तक होनी है, इन्हीं कथा में हमारे श्री सुखवीर प्रभु जी और हमारे शकुंतला दीदी, कहाँ है शकुंतला दीदी, और हमारे ये घर का जो दामाद का नाम क्या है, सचिन, अगर सचिन हो तो भैया सचिन भैया को थोड़ा बुला दोगे, कोई है नीचे सचिन को बुला दो तो, बोले महाराज जी बुला रहे, फटाफट उसको बुलाओ, जल्दी जल्दी बुलाओ। इन लोगों ने अपना घर में ये भागवत कथा करवाया, ये स्वयं सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित, बोले करोड़ों करोड़ों जन्म का जब कोई पुण्य उदय हो तभी ये भागवत कथा कोई रखवा सकते हैं, भागवत कथा कोई करा सकते हैं। लोग को बात में तो बहुत पैसा है, लेकिन ये पैसा को कितने तरह तरह से पैसा चली जाती है, लेकिन ये भगवत सेवा में ठाकुर जी से स्वीकार करते हैं, दुर्योधन की मेवा त्यागे साग विदुर घर का, ठाकुर जी दुर्योधन की मेवा विषय को त्याग दे दिया, लेकिन विदुर के घर में उन्होंने साग बची खाई। भैया इधर आ जाओ, सचिन इधर आ जाओ। इसलिए भगवान जिनकी जिनसे लेना चाहते हैं वही व्यक्ति को ही ठाकुर जी स्वीकार करते हैं, हैं? इसलिए भगवान जिनसे लेना नहीं चाहते हैं वो देने पर भी ठाकुर जी ग्रहण नहीं करते, लेकिन ठाकुर जी इनके घर में 7 7 दिन तक कथा हुई। जिस घर में भागवत कथा हो कहते वो घर घर नहीं, भागवत कहता है पृथ्वी का सबसे पुण्य स्थान, पृथ्वी का सारे तीर्थ
ध्यान रख। सारे तीर्थ समस्त देवा देवी कहते भाई कहते सबके सब उनके घर में ही आ जाते हैं। सचिन भैया ने घर बनाया, समझे आज इनके घर बनाना सार्थकता हो गया, क्योंकि आज कितने लोग देखो हमारे जो बड़े गुरु जी है ना, जिसने संपूर्ण पृथ्वी में प्रचार किया, देखो वो क्या कहते हैं अच्छे तरह समझो। कहते करोड़ों करोड़ों हॉस्पिटल कोई खोल दे, करोड़ों करोड़ों स्कूल कॉलेज कोई खोल दे, करोड़ों करोड़ों और नक्षत्र कोई खोल दे, उसमें जो पुण्य मिलेगी, अगर एक व्यक्ति को किसी तरह से प्रभु का भजन में कोई लगा दिया, उससे करोड़ गुण ज्यादा पुण्य मिलेगी। बोले क्यों, इसको कपड़ा पहना दो दिन बाद फट जाएगा, भोजन कराओ दो चार घंटा बाद मेरे भूख लगेगी, जन्म मृत्यु चक्कर से निकल नहीं सकता है। लेकिन यहाँ पर कहते अगर किसी व्यक्ति को प्रभु के भजन में लगा दिया, कृष्ण कहते हे अर्जुन माम उपतुतु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, हे अर्जुन जब जी मेरे भजन करके मेरे धाम में जाए तभी दोबारा ये माया के संसार में नहीं आता है, परम शांति परम सुख की प्राप्त होती है। जिस घर में कथा हुई कितने लोगों का हृदय परिवर्तन हुआ, कितने लोग प्रभु की भजन में लगे, ये पुण्य किसको लगेगी, जिनकी घर में कथा हो रही है, जिसने ये कथा करवाई ये पुण्य उनकी लगेगी। इसलिए आप हमारे सचिन प्रभु जी इन्होंने घर बनाया है और इनके घर में भागवत कथा हुई और इन्होंने बहुत सेवा की, सुखवीर प्रभु जी इन्होंने हर तरह से, और हमारे संतोष भैया इनकी माता जी और इनकी जो माता जी शकुंतला देवी और इनकी जो परिवार लोग जो आप लोग आ रहे हैं, आप लोग हर तरह से कोई तन से कोई मन से कोई धन से आप लोगों ने भागवत की सेवा की है, हैं भागवत की सेवा की। इसलिए हम ठाकुर जी को प्रार्थना करते हैं ठाकुर जी इन सबको शांति सुख दे और अपना चरण में भक्ति दे, इनको प्रेम दे और ये लोग खूब फलते फूलते रहे और जीवन में शांति सुख में रहे और जीवन में भगवान की भजन करें। इसलिए आप इनके लिए जोरदार ताली हो जाए, जितना जोर से हो जाए केवल उन्होंने भागवत कथा करा इतना बात नहीं, इन्होंने देखा सात सात दिन तक सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था की है। हम तो दूसरे दूसरे जगह जाते हैं लेकिन कथा करते, लेकिन जो प्रसाद की सात सात दिन कोई लास्ट में कथा करा देते हैं लेकिन उन्होंने सात दिन तक थोड़ी बड़ी प्रसाद नहीं, रोज रोज दो सब्जी बनाई और बढ़िया पूरी और चावल और रोज कभी हलवा कभी खीर उन्होंने बनवाई। इसलिए मतलब दिल खोल करके उन्होंने देखो ये पैसा की तभी सार्थकता है जब ये भगवान की ठाकुर की सेवा में लगती, लक्ष्मी है ना लक्ष्मी नारायण की है, जब उनकी सेवा में लगती लक्ष्मी खुश हो जाती, आशीर्वाद देती बेटा खूब फलते फूलते रहो सुखी रहो, क्यों तू मेरे को अपना प्रभु की सेवा में लगाया। लेकिन जो प्रभु को सेवा में नहीं लगाते हैं ना, अरे लक्ष्मी सुख शांति नहीं देती, भले ही अरब खरब रुपया आ जाए देखना भाई भाई में लड़ाई लगाई बहू में, नहीं तो कोर्ट कचहरी मामला लगा दी, नहीं तो कोई बड़ी कठिन बीमार दे दी, सारे पैसा भेज जाएगी, क्यों वो लक्ष्मी ठाकुर को सेवा में नहीं लग रहे हैं। लेकिन इन्होंने लक्ष्मी को ठाकुर को सेवा में लगाई, माता लक्ष्मी भी इनको घर में प्रसन्न है, इसलिए ठाकुर जी लक्ष्मी भी खूब मिले भैया को, इसलिए और वो लक्ष्मी से भगवान की सेवा करे भागवत की सेवा करे, इसलिए अब इनके लिए भी ताली हो जाती है। हमारे राजकुमार प्रभु इधर है, राजकुमार इधर है, राजकुमार प्रभु राजकुमार है यहाँ, हाँ। इसलिए कि जो कथा हो रही है प्रभु कहते यहाँ पर जो सर्वप्रथम राजकुमार प्रभु जी ने ही यहाँ पर सबसे पहले कथा को हम लोगों को ला करके ये कथा उन्होंने करवाई, कोशिश किया भक्त लोगों को जुड़वाने के लिए। इसलिए राजकुमार कहते ये प्रभु जी सबसे पहले ये जगह पर, ये गुरु जी के हमारे बड़े गुरु जी का शिष्य है, इन्होंने सबसे पहले इन्होंने ये कथा उन्होंने साई वाटिका में रखवाए सारे भक्त लोगों को लेकर, किसी ने ही धीरे धीरे कोशिश किया भक्त लोगों को जुड़वाने के लिए। आप इनके लिए भी जोरदार ताली बजाओ, ठाकुर जी इनको भक्ति दे और इनको अंदर में सहन शक्ति दे, सबको साथ में थोड़ी सी प्रेम व्यवहार सबको साथ में करे और सबको यथा जो ये सम्मान दे करके हैं, सबको भक्ति में ये जुड़े रखे। इसलिए आप इनको भी सभी आशीर्वाद दो, इन सब भक्तों के साथ में अच्छे व्यवहार करते हुए करें। अभी कथा में बहुत लोग, कल मैंने बताया था हमारे जो बाजा बजाने वाले माइकी वाले भैया, जिसमें रोसोई बनाई
उसमें हमारे एक प्रभु हुए अशोक नगर से दामोदर प्रभु जी, उनके परिवार और कुछ भाई लोग हैं जो हर तरह से उन लोगों ने दिन भर उन्हें लग करके ये कथा को उन्होंने बहुत अच्छे तरह से करवाई। ठाकुर जी सबको शांति सुख दे, भगवान इनको भक्ति दे कि जीवन में ये खूब फलते फूलते रहे और खूब संतों की और भागवत की लोगों सेवा करे। और जिन लोगों ने यहाँ तक भी ये भागवत कथा सुनने के लिए आया, जो सुनने के लिए आया वो परीक्षित उनको बताया, अगर ये पंडाल लग जाते मैं भी आ जाता, लेकिन अगर परीक्षित नहीं होते जो कथा सुनते ना परीक्षित है, इसलिए अगर आप लोग नहीं होते फिर कथा हो पाती नहीं हो पाती, इसलिए आप जितने कथा सुनने के लिए आ रहे हो आप सब परीक्षित हो, इसलिए आप लोगों के लिए खूब जोर से ताली बजाओ। और इन्हीं कथा में हमारे श्री गौर सुंदर प्रभु जी, श्यामानंद प्रभु जी, नीचे श्रीकांत प्रभु जी अभी यज्ञ कर रहे हैं, और हमारे श्री श्यामानंद प्रभु दो श्यामानंद, ये लोग भी बड़े सुंदर सुंदर कथा आप लोगों को सुनाए, इसलिए हर तरह से सेवा कथा के लिए भी हम लोग ताली बजाओ। और हमारे यहाँ पर क्या आपका नाम क्या प्रभु जी? उमेश पत्नी शालू दीदी, हाँ यहाँ पर, और पास में राजेंद्र प्रभु जी कुसुम माता जी, कुसुम माता जी, पहले इनकी घर में पहले कथा हुई यहीं पर, इन लोगों ने बोले भैया हम भी चाहते हैं हमारी घर में भी कथा हो, लेकिन देखो 1.5 महीना पहले कथा हुई और ये कथा बहुत और थोड़ा पीछे होने का था, लेकिन किसी कारण से वजह से लगता है ये अशोक नगर, हाँ नाम ही अशोक नगर है, इनके ऊपर ठाकुर जी जल्दी जल्दी कृपा करना चाहते थे, इसलिए लगता है ठाकुर जी जल्दी जल्दी यहाँ पर फिर दोबारा यहाँ कथा की व्यवस्था की, इसलिए लगता है यहाँ के भक्तों लोग बड़े सौभाग्यवान। ठीक है, अब ये कृष्ण रुक्मिणी को ले आओ, कृष्ण रुक्मिणी को ले आओ, भैया कोई है वहाँ पर कृष्ण रुक्मिणी के ले आओ तो कोई है कि वहाँ जब जाओ तो उनको लेकर के आ जाओ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ देखो ये भीष्मक राजा थे, कहते इनकी सबसे छोटी बेटी ये थी रुक्मिणी, ये माँ लक्ष्मी साक्षात है, नारद जी को ये पता था ये माँ लक्ष्मी स्वयं है। कहते ये माँ लक्ष्मी स्वयं है, कि जब नारद जी बचपन से वहां से दो माला उतार दो इधर आ जाए, इसलिए ये नारद जी को पता था ये साक्षात माँ लक्ष्मी है, इसलिए बचपन से उन्होंने रुक्मिणी को बड़ी सुंदर सुंदर कृष्ण की कथा सुनाया करती थी, कृष्ण के रोम रोम में रुक्मिणी के कृष्ण ही बैठ गए, बोले मैं शादी करूंगी तो केवल द्वारकाधीश से शादी करूंगी, लेकिन उसका जो बड़े भाई रुक्मी था बोले नहीं, कृष्ण से हमने सुना कृष्ण बचपन में दिया चराया करते थे, घर घर में मक्खन चोरी, भैया हम शादी करेंगे तो शिशुपाल से राजा से शादी करेंगे। जब रुक्मिणी को ये बात पता चला, उन्होंने एक प्रेम पत्र उन्होंने एक ब्राह्मण को दे करके भेजे, और भगवान कृष्ण पीली पत्र देख करके समझ गए ये किसी प्रेमिका के पत्र है, इसलिए रुक्मिणी इतने सुंदर वहां पर शरणागति, इतने सुंदर उन्होंने शरणागति लिखी थी जिसको देख कर, अभी हाथ में रखा मैं बोलूंगा अभी हाथ में, इसलिए उन्होंने बोले थे जे इतने सुंदर पत्र लिखी थी, बोले ठाकुर जी आप मेरे को नहीं देखा लेकिन मैं भी आपको नहीं देखा हूँ, लेकिन आपकी कथा सुन सुन करके आप मेरे रोम रोम बैठ गए, मैं शादी करूँगी तो आपसे ही शादी करूँगी, अगर ये आप सिंह हो, अगर ये सिंह का हिस्सा अगर सियार ले गया तो सिंह का ही बदनामी है, इसलिए जब तक मैं आपको प्राप्त नहीं करूँगी तब तक प्राण त्याग देते रहूँगी, लेकिन किसी सियार को मैं स्वीकार नहीं कर सकती हूँ, इतने सुंदर लिखे, बोले आप मेरे को उधार कैसे करोगे, उन्होंने ये भी बता दिए, बोले देखो हमारी एक नियम है शादी से पहले बेटी अपना सहेलियों को साथ में देवी मंदिर में पूजा करने जाती है, उसी समय में आप अपना पराक्रम को दिखा करके हम हरण करना। इतने में शिशुपाल को पता चला रुक्मिणी पहले कृष्ण को प्रेम करती थी, वो पूरा सैन्य सामंत को चारों तरफ में एकदम अच्छे तरह सजा दिए, अगर कृष्ण आएगा तो सब मिल करके उसको हम परास्त करेंगे। इतने में रुक्मिणी जब देवी पूजा करने के लिए गई, इतने में वहां पर स्वयं शंकर पार्वती प्रकट हुए,
वेद मंत्र से उन्होंने कृष्ण और रुक्मिणी को शादी करा दिया, लेकिन किसको पता नहीं चला। रुक्मिणी जब निकली, रुक्मिणी कौन, ये जगदम्बा जगजननी माँ लक्ष्मी स्वयं, जब अपना अपना घूंघट को उसने उतारी, इतने सुंदरी थी जिनके रूप देख करके सबके सब वहां बेहोश हो गए। इतने में कृष्ण बीच में प्रकट हुए और रुक्मिणी को हाथ को पकड़ी और रथ में बैठाई। जो सखियां थी ना, रुक्मिणी बोली राम राम मैं तो जा रही हूँ, मैं तो अपना प्रियतम के साथ में जा रही हूँ। इतने में जब सबकी होश आए, बोले भैया रुक्मिणी कहाँ गई, बोले जिसका उसने लेकर चला, बोले मारो मारो पीटो पीटो। इतने में बलदेव प्रभु प्रकट हुए, बोले कन्या कोई चिंता मत करो, तुम रुक्मिणी को लेकर के जाओ, मैं इनको देख लेता हूँ। बलदेव प्रभु हाल मुसल को निकाले, सबको मार मार कर भगा दिए। फिर कृष्ण रुक्मिणी को लेकर द्वारका में गए और द्वारका में बड़े धूमधाम से इनकी शादी हुई। लगता है इनके साथ में और कुछ गोपियां हैं ना, माला बदलाओ तो ओ बच्चा हम माला बना दो, हम सब ताली दो। बोले श्री रुक्मिणी रामायण भगवान की जय। आ जाओ, केवल सुदामा को छोड़ कर और सबके सब आ जाओ, केवल सुदामा को छोड़ करके सबके सब इधर आ जाओ। सुदामा के बोले बात है प्रभु, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे।
Thank you.
आज मेरा
Yeah.